चलो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था फटाफट से एक बार दो मिनट में फटाफट पहले कर देते हैं कि हमने पढ़ा क्या था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. उससे पहले मैंने आपको याद हो प्रॉपर्टी का मतलब ही बताया था. प्रॉपर्टी मतलब तो अब बताते रहे ना चुपचाप. प्रॉपर्टी मतलब बंडल ऑफ राइट्स कि किसी की कोई प्रॉपर्टी है तो दैट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि ही इज हैविंग अ बंडल ऑफ राइट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब डेथ प्रॉपर्टी विच इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट. जो किसी इंसान के दिमाग की क्रिएशन है उसके रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंस है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन माइंड. उसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मैंने बताया भी था लेकिन हमारे सिलेबस में प्राइमरली तीन है कॉपीराइट पेटेंट और ट्रेडमार्क. और भी हैं और हमारे सिलेबस में और भी हैं. इसके अलावा जैसे ज्योग्राफिकल डिजाइन ये भी एक होता है. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये भी एक चीज होती है. दीज आर ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सिलेबस में भी है हमारे बट इतने ना के बराबर से हैं. वो टच करके मतलब पांच मिनट के अंदर खत्म भी हो जाएंगे. ज्यादा सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए जो मेन प्राइम फोकस है वो इन तीन के ऊपर ही है कॉपीराइट पेटेंट और ट्रेडमार्क. ठीक है. और हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों होती है. फिर इंटेलेक्चुअल अच्छा किसी की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है लेट्स से समवन इज हैविंग अ कॉपीराइट इन समथिंग. अच्छा वो भी याद है ना किन किन चीजों में क्या क्या मिलता है. कॉपीराइट क्रिएटिव वर्क पेटेंट इन्वेंशन की डिस्कवरी इन्वेंशन अभी पढ़ना है वैसे ऑल दो और ट्रेडमार्क साइंस एंड सिंबल्स. ठीक है. और किसी का किसी भी चीज में इन तीनों में से कुछ भी है लेट्स से आई एम हैविंग अ कॉपीराइट इन माय बुक जो आपके पास है तो क्या मतलब हुआ कि सो एंड सो पर्सन इज हैविंग द एक्सक्लूसिव राइट टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. तो और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कि उसके अंदर अच्छा वही बड़ी सारी राइट्स आ गई बंडल ऑफ राइट्स आर देयर. तो एक बंदे की बड़ी सारी राइट्स हो जाती हैं अगर उसकी कोई चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. और बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे तो मेरे ख्याल से उसमें कोई डाउट नहीं होगा. फिर हमने कहा था इसका मतलब ये होता है कि वही बंदा इस चीज को यूज कर सकता है या फिर जिस कोई दूसरा बंदा. लेकिन वो दूसरा बंदा कौन होगा जिसको जो ऑनर नहीं क्या करोगा ऑथोराइज किया होगा परमिशन देने के बाद ही. और परमिशन फ्री अच्छा परमिशन में फ्री में देंगे क्या रॉयल्टी भी ले सकते हैं. तो वही मैंने बताया तो एक तरीके का इनकम जनरेशन सोर्स भी है. और ये रट मत लेना कि इनकम मतलब वो हमेशा रॉयल्टी लेंगे ही लेंगे. अच्छा कोई जान पहचान वाला है उसे रॉयल्टी नहीं लेंगे. सिंपल सी बात मतलब ये भी तो है आपको कि नहीं हर बार रॉयल्टी ली जाएगी. वो तो डिपेंड करता है ना केस टू केस. मैं मान लो मेरी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मैं उसको यूज करने का अधिकार किसी अनजान बंदे को दे रहा हूँ फिर तो मैं उससे पैसे लूंगा कि भैया ठीक है मेरी मेरे मेरे नाम से तू भी फायदा कमाएगा तो मुझे चार्जेस दे. लेकिन अगर किसी जान पहचान वाले को दे रहे हैं तो हो सकता है कि हम उससे चार्ज ना करें कुछ. तो मतलब सारी पॉसिबिलिटीज हैं. कंसिडरेशन मे बी देयर कंसिडरेशन मे नॉट बी देयर. और एक लास्ट में हमने चीज पढ़ी थी जो मैंने कहा भी था उसको याद रखना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब भी पिक्चर में आती है और एक बात हमेशा याद रखना इनहेरेंटली उससे सोसाइटी एट लार्ज का फायदा होता है. याद है कि हमेशा और हमेशा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो लॉ बनाया हुआ है वो इसी तरीके से बनाया गया कि वेन एवर एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विल कम इन टू पिक्चर इट विल इनहेरेंटली बेनिफिट द एंटायर सोसाइटी एट लार्ज. मैंने उसे एग्जाम्पल भी देते कि किसी अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी बुक आना किसी अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी मूवी आना किसी कोई ऐसी मेडिसिन बनना जिससे कोई नॉन क्योरेबल डिजीज क्योर हो सके तो सोसाइटी का फायदा होता है. और इसीलिए हमने कहा था कि वो एक्सक्लूसिव राइट वाली बात वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि इनोवेशंस होए रिसर्च होए और उस बंदे को इंसेंटिव मिले कि मैं कुछ करूंगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा. ये कुछ भी नया नहीं बोला मैंने सब पुराना ही बोले जा रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद हमने एक लॉ पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया था. कौन सा कॉपीराइट एक्ट 1957. This is the relevant law pertaining to copyright in India. Copyright Act 1957. फिर मैंने आपको बताया था कि copyright creative work में मिलता है और वो कौन सा creative work? That is also defined under Copyright Act. और कितने तरीके के थे? छह तरीके creative work: artistic, dramatic, literary, musical, cinematographic films और sound recording. These are the six categories of work in respect of which copyright can be granted to you in India. और मैंने बताया भी था कि कोई सातवें तरीके का आपने काम कर दिया आपकी नजरों में वो जितना भी क्रिएटिव हो कुछ आपको कि ये भी क्रिएटिव वो भी क्रिएटिव है बट लॉ की नजरों में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं. हम थोड़ी आप उसको क्रिएटिव मान रहे हो मैं मान लूंगा अल्टीमेटली तो लॉ नहीं मान रहा ना. ऐसा तो कोई बंदा किसी का खून कर दे क्या मेरे लिए तो ठीक था ये मेरे को मैंने कोई गुनाह नहीं किया भाई कानून की नजरों में तो गुनाह है. तो बस वही बात है कि आपके लिए वो नजरों में वो क्रिएटिव वर्क है बट
अनलेस एंड अंटिल वो लॉ की नजरों में क्रिएटिव वर्क ना हो, फायदा कुछ नहीं. तो आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, लिटरेरी, म्यूजिकल वर्क, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग. फिर हमने वो पढ़ा था क्या, वो प्रोटेक्शन टू ऑथर्स वाला एक पॉइंट पढ़ा था कि वो सिंपल सा पॉइंट, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं था, कि क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है ऑथर्स को. और एक चीज मैंने बताई थी कि ऑथर, उसको सिर्फ बुक वाला ऑथर मत समझ लेना. ऑथर एक जनरल टर्म यूज करी है अंडर द कॉपीराइट एक्ट, जो कि प्रॉपरली डिफाइंड भी है. एंड ऑथर इन कॉपीराइट एक्ट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑथर ऑफ द बुक, बट वो किसी भी चीज का, मतलब कोई मूवी का कंपोज, कोई मूवी का डायरेक्टर प्रोड्यूसर, किसी सॉन्ग का कंपोजर, सबको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑथर. ठीक, यहीं तक पढ़ा था हमने. अब आपको टॉपिक सबसे अगला ही जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ टर्म ऑफ कॉपीराइट. टर्म ऑफ कॉपीराइट, टर्म मतलब कि किसी का वो कॉपीराइट आ गया तो कितने टाइम के लिए उसके पास वो कॉपीराइट है. और ये आपको बता भी दूं, ये हमेशा के लिए नहीं होता कि किसी का भी, और ये हर चीज में आएगा, ये पेटेंट में भी आएगा, ये ट्रेडमार्क में भी आएगा, हर जगह मैं पढ़ाऊंगा ये टर्म का टॉपिक, कि कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है, हमेशा के लिए नहीं बनती, इट इज फॉर अ सर्टेन टाइम. लेकिन वो सर्टेन टाइम बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा. तो मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार इतनी मेहनत करी है और बस थोड़े से टाइम के लिए, कोई एक दो साल की बात नहीं होगी, बहुत लंबी टाइम की बात होगी. और जो मैं लिखूंगा अभी कि कितनी टर्म होती है, तो अपने आप खुश हो जाओगे कि हाँ ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं है. कॉपीराइट की टर्म क्या है, कि मान लेते हैं कि इस ए का किसी क्रिएटिव वर्क में क्या है कॉपीराइट, वो किस, अपने आप लगा लो कोई भी छे, उसने गाना बनाया, अपने आप लगा दो जिसको जो मन लग रहा है, उसने गाना बनाया, किसी ने फिल्म बनाई, जो भी, तो उसका उस चीज के अंदर कॉपीराइट कितने टाइम के लिए आया. हम बोलते हैं द यूजुअल टर्म ऑफ कॉपीराइट इज लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, पूरी जिंदगी ऑथर की. और अब तो कुछ, अब तो कोई टेंशन नहीं, पूरी भैया जब तक मरता नहीं तब तक तेरे पास कॉपीराइट है. उसके बाद भी है लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स. और क्या लोगे, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स, इतने टर्म के लिए आपका किसी चीज के अंदर कॉपीराइट आता है. जितने टाइम के लिए आप अलाइव हो, द ऑथर इज अलाइव, उतने टाइम तो उसी की कॉपीराइट, उसी का कॉपीराइट है, तो उसी की प्रॉपर्टी है. ही हैज गॉट द एक्सक्लूसिव राइट टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट दैट थिंग. उसकी डेथ के बाद भी 60 साल का टाइम मिलता है. अभी मैं बड़ा, अच्छा ये जो 60 साल है, ऑथर की तो डेथ होगी है, तो ये प्रोटेक्शन मिलेगी किसको, उसके लीगल हायर्स को, नेचुरल सी बात है. अच्छा वैसे ये जो आप अभी तक आपको ये टर्म लीगल हायर सिर्फ सुनी होगी, लीगल हायर बोल देते हैं कि मतलब किसी की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी जिसके पास चली जाती है उसके लीगल हायर है, तो वो ठीक है, अभी तक तो आपके सिलेबस में है भी नहीं. लीगल हायर की पूरी फॉर्मल डेफिनेशन है जो आप फाइनल में आएगा, वो एक पेपर, एक लॉ है इंडियन सक्सेशन एक्ट या हिंदू सक्सेशन है, अलग अलग लॉज है, उसमें पूरी डेफिनेशन दी हुई है कि लीगल हायर कौन होता है, कि उसमें लंबी जोड़ी अभी आपको याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है. हाँ वही मान लो कि किसी फादर की, किसी की डेथ हुई तो उसका बेटा उसका लीगल हायर बन जाता है, उसकी वाइफ उसकी लीगल हायर बन जाती है, बट ये अपने आप में बहुत लंबा जोड़ा कंसेप्ट होता है. ये देखना पड़ता है कि वो बंदा हिंदू था, क्रिश्चियन था, मुस्लिम था, क्या था, मेल था, फीमेल था, अनमैरिड था, मैरिड था, सब बड़ी सारी विडो, अगर कोई फीमेल है तो विडो थी या क्या थी, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं. चलो अभी उतना जानने की जरूरत नहीं, आप तो उतना ही हालो कि हाँ लीगल हेयर के पास आ जाएगी. तो अच्छा, और लीगल हेयर के पास क्यों आ रही है, क्योंकि ये भी तो एक प्रॉपर्टी है. जिस तरीके से कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी किसी की डेथ के बाद उसके लीगल हेयर के पास चली जाती है, तो उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, इट इज मतलब वो हेरिडिटरी है, कि भैया वो यहां से पास ऑन होके वहां जा रही है, फिर वहां से पास ऑन होके वहां जा रही है. ठीक है, अब ये 60 ईयर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना. मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये ए, इसने कोई बुक लिखी, ही क्रिएटेड सम बुक. अच्छा मैं एग्जांपल दूं, अगर कि मान लो उसने इस दिन बुक क्रिएट करी, उसने बुक लिख दी और ये पिक्चर में आ गई, मार्केट में अवेलेबल हो गई. अभी मैं इसी के टर्म ऑफ कॉपीराइट की अगला कंसेप्ट देखने के लिखा होगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन मैं उससे एक लिंक कर रहा हूँ एक चीज. कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, और लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है इट इज ओनली ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी. कॉपीराइट की रजिस्ट्री कराना चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको करानी ही करानी है, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे कहने का मतलब कि मान लो किसी बंदे ने कॉपीराइट, मतलब उसने जो अपनी बुक है वो इस दिन, मान लो दैट वर्क केम इनटू पिक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल थी, उसने अभी नहीं कराई, 6-8 महीने बाद मान लो उसने इस टाइम पे उस
अपने जिस क्रिएटिव वर्क में उसका कॉपीराइट है उसकी उसने रजिस्ट्रेशन भी करा ली, बाद में कराई, मतलब वर्क पिक्चर में पहले आ गया, उसको लगा कि क्या रजिस्ट्री करानी है, उस टाइम नहीं कराई, 6-8 महीने साल भर बाद उसको लगा कि रजिस्ट्री करा लेता हूँ, अभी पढ़ाऊंगा जब रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आएगा तो क्या फायदे होते हैं क्या नुकसान बताऊंगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि पहले तो वो देखते हैं कि कॉपीराइट कितना टाइम तक चलता है। हमने बोला लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स, ठीक है वो 60 ईयर्स पे बात पे आते हैं। लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, ठीक है ये खत्म कब होगी लाइफ टाइम, जब मर जाएगा। शुरू कब होगा, शुरू इस दिन होगा जिस दिन उसने वर्क पब्लिश कर दिया था और वो अवेलेबल हो गया था या एग्जिस्टेंस में आ गया था, या फिर जब उसकी रजिस्ट्री हुई थी। नहीं मतलब आपको ऑब्वियसली आपको आंसर थोड़ी बात है, तो कहीं मार रहे हो कि जब रजिस्ट्री हुई थी, मतलब वो पढ़ाया नहीं पता मैंने, इस दिन होता है, मतलब वो उसका कॉपीराइट की जो टर्म है वो उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन वो वर्क पिक्चर में आया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने रजिस्ट्री कराई थी या नहीं। ऑप्शनल है ना, अच्छा उससे भी लिंक करके देख लो, जब वो है ही ऑप्शनल, कोई अगर मान लो करा ही नहीं रहा तो उसकी तो मतलब कोई प्रोटेक्शन ही नहीं मिली, मतलब उसको वहां से लिंक करें, अगर ये चीज है ही ऑप्शनल और अगर मान लो इस ए ने रजिस्ट्री करा ही नहीं तो मतलब ये कहेगा ये क्या बात हुई, जब तुम्हें ऑप्शन रखा ही क्यों है, फिर मेरी प्रोटेक्शन मुझे मिली क्या। तो इसलिए जो टर्म होती है वो इस दिन से स्टार्ट नहीं होती कि जिस दिन रजिस्ट्री कराई वहां से लाइफ टाइम, नो, यहां कहां से स्टार्ट होती है, जिस दिन वो क्रिएटिव वर्क पिक्चर में आया, राइट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट टिल द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर। यहां तक समझ आ गया, तुम्हारा रजिस्ट्री से कोई इंपैक्ट नहीं है, अभी रजिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वो डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस दिन उसकी, फिर से ले लेता हूँ, इस दिन पिक्चर में आया वो, इस दिन उसने रजिस्ट्री कराई, लेकिन हमें तो टर्म हमारी कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, है ना, यहाँ से कब तक चलेगी, पहले स्टार्टिंग में जब तक उसकी लाइफ टाइम तक, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर डेट पे उसकी डेथ होगी, और कोई भी एग्जांपल डेट ले लेते हैं, मान लेते हैं 20th December 2019, एग्जाम हाइपोथेटिकली कुछ भी डेट ले रहा हूँ, 20th December 2019। तो अब लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स, ये 60 साल कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं वो ध्यान से देख लो। जिस दिन उसकी डेथ हुई 20 तारीख को, 20 दिसंबर, वो डेट जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है, कैलेंडर ईयर, वो कैलेंडर ईयर, अच्छा 2019, वो आपने पूरा चलाना है, समझ आ गया, मतलब 2019 पूरा चलेगा 31 दिसंबर 2019 तक, मतलब लास्ट डेट तक, और उसके अगले साल की जो पहली डेट है 1 जनवरी 2020, वहां से 60 साल, समझ आ रहा है, मतलब जैसे मान लें इस दिन उसने क्रिएटिव वर्क क्रिएट करा, डेथ होगी इस दिन, तो ये अब उसकी डेथ के बाद 60 साल कहां से कैलकुलेट करने हैं, ये 20 तारीख से लेके 31 तारीख, अच्छा 12, ये तो 10-11 दिन ही बचे हैं, तो इन इतने टाइम के लिए भी उसके पास कॉपीराइट है, उसी को प्रोटेक्शन मिल रही है, ये नहीं कि इतने टाइम में हट गई, और इसके बाद जो अगली 1 जनवरी आएगी अगले साल की, वहां से 60 साल, क्लियर। और ये 20 दिसंबर, अच्छा अगर ये डेट 4 जून होती तब भी सेम प्रोविजन होता, सेम प्रोविजन है, क्योंकि मैंने क्या बोला जिस कैलेंडर ईयर में उसकी डेथ हुई है वहां से देखना है। अब 2019 में डेथ हुई है तो देखा जाए तो 6 महीने की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रही है, तो मतलब 4 जून से लेके 31 दिसंबर 2019 तब तक भी प्रोटेक्शन है, और उसके बाद 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स वहां से 60 साल। तो इस तरीके से 60 साल की कैलकुलेशन करनी है, क्लियर। बट ऑब्वियस बात है कि यहाँ उसकी डेथ के बाद द प्रोटेक्शन विल बी ग्रांटेड टू हिज लीगल हेयर्स एंड नॉट टू हिम, वो तो उसको डेथ ही हो चुकी है, कोई डाउट तो नहीं, वो किसी भी चाहे 1 जनवरी को भी डेथ हुई हो तब भी यही लेंगे, 1 जनवरी को भी तब भी जिस कैलेंडर में डेथ हुई 2019 31 दिसंबर 2019 तक चलेगा और वहां से 60 साल, ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ टाइम, मतलब ये जो रूल लगता है टर्म ऑफ कॉपीराइट, वो इस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स, बिगनिंग 60 ईयर्स बिगनिंग फ्रॉम द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट टू द ईयर इन विच द ऑथर डाइज, इस तरीके से लॉ में इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसके अंदर थोड़े इफ्स एंड बट्स ऐड करते हैं जो कि हमारा काम है। अच्छा अगर कोई एनोनिमस वर्क है, एनोनिमस मतलब अननोन, कि भाई पता ही नहीं है कौन है, ऐसा होता है कभी कभी कि पता ही नहीं ऑथर कौन है। जैसे अगर आपको स्कूल में याद हो, कभी कभी आप पोइम्स पढ़ते होगे तो इंग्लिश में या हिंदी में भी कविता, तो जब भी आप पोइम पढ़ते हो नीचे उसके ऑथर का नाम, वो पोइट का नाम लिखा होता है, कि यहाँ ये रस्किन बॉन्ड की पोइम है, ये इसकी पोइम है, ओ हेनरी की है, किसकी है, वगैरह वगैरह। कभी कभी यहाँ पर नीचे लिखा होता है एनोनिमस, पोइम है और पोइम के नीचे लिखे एनोनिमस, हिंदी में लिखा होता है अज्ञात, सुनो। तो ये उनके नाम नहीं है कि जिसने बुक, जिसने वो पोइम लिखा, कोई बच्चे सोचते हैं अच्छा वो अज्ञात नाम का बंदा होगा या एनोनिमस, ये नाम थोड़ी है उनके। इसका मतलब कि उसकी आइडेंटिटी हो सकता है या तो उन पोइट ने खुद रिवील नहीं करी,
या तो वो हुई थी और पता ही लग पाया किसी को कि काफी टाइम पुरानी पोएम है, तो 20 मतलब सदियां बीत गई हैं और अभी तक ट्रेस ही नहीं है कि किसने बनाई थी ये पोएम, या फिर उस बंदे वो खुद इतना फेमस नहीं था, उसने कहा मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। बहुत बार होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये किसी फेमस पॉलिटिशियन के ऊपर किसी ने पोएम लिख दी उसकी इंसल्ट करने के लिए और मार्केट में डाल दी, लेकिन चाहता नहीं है ना कि इतनी बड़ी मोदी जी के खिलाफ कुछ लिख दिया, अब ये थोड़ी बताएगा हाँ मैंने लिखा है, तो वो कह रहा है नहीं मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूँ, मेरे को पिटवा देंगे भैया फालतू में, तो वो एनोनिमस के तौर पे वो पोएम डाल दी। आइडेंटिटी या तो खुद रिवील नहीं कर रहा या फिर हो नहीं पा रही रिवील किसी वजह से, लेट्स से हिज आइडेंटिटी इज नॉट बीइंग एबल टू रिवील्ड इस केस में। अच्छा एक होता है एनोनिमस, एक और टर्म बोलते हैं सुडोनिमस, सुडोनिमस PSEUDONIMYMOUS सुडोनिमस लिखा हुआ है सब कुछ। सुडोनिमस वर्क ये क्या होता है, ये सुना कभी? ये नहीं सुना, मतलब बुक ये पोएम वगैरह में तो सुडोनिमस वगैरह, सुडोनिमस का मतलब होता है किसी दूसरे नाम से, कि आपका नाम कुछ और है लेकिन आपने पोएम जो लिखी है या कोई भी क्रिएटिव वर्क किया, मैं पोएम का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने फिल्म बना दी, आपने गाना कंपोज कर दिया किसी दूसरे नाम से, नाम कुछ और है लेकिन जो आपने काम किया है वो काम आप चाह रहे हो कि इस नाम से जाना जाए। ये बहुत फेमस है, जैसे अच्छा सिंपल इतने सारे एक्टर्स होते हैं फिर उनका असली नाम कुछ है, फिल्म किसी और नाम से करते हैं, अक्षय कुमार इज द बेस्ट एग्जांपल, मतलब हिज रियल नेम इज राजीव भाटिया, बट मूवी इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में राजीव भाटिया के नाम से थोड़ी जाना जाता है, या अक्षय कुमार, या कोई कोई होते हैं कि भैया वो अपना वो पहले क्या कहते हैं सरनेम पहले लगा लेते हैं, कुमार गौरव कि भाई गौरव ऐसे नाम थोड़े, तो कुमार गौरव, तो उसने गौरव कुमार को कुमार गौरव लिख देते हैं, कुमार विश्वास इस तरीके से, मतलब वो सरनेम पहले लिख देते हैं, वो कोई भी होता है कि ज्योतिषी के चक्कर में कि ये पहले लगा दो तो आप चल जाओगे, ये नाम ये वाला लगा लो तो चल जाओगे, गोविंदा का कहते हैं गोविंद नाम है तो उसने गोविंदा का ए हटा दिया, हम जाने तो उसी नाम से जाते हैं ना। तो ऐसे कोई पोएट है उसने मान लो भैया असली नाम कुछ है और उसने वो पोएम लिखता है किसी और नाम से और जाना उस नाम से जाता है, हो सकता है। तो मतलब एनोनिमस मतलब ऑथर पता ही नहीं है कौन है, सुडोनिमस मतलब ऑथर चाह के भी नहीं पता लग पा रहा क्योंकि उस मतलब पता ही कंफ्यूजन सी हो रही है कि भैया ये है कि वो है, नाम कुछ और है। अच्छा इन दोनों केसेस में हम वो रूल लगा के देखते हैं कि टर्म ऑफ कॉपीराइट क्या होगी, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स इज द जनरल रूल, ऑथर पता ही नहीं है कौन है तो लाइफ टाइम कैसे कनेक्ट करें, समझ आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन है, जब हमें ऑथर ही नहीं पता कौन है तो हाउ विल वी कनेक्ट द टर्म ऑफ कॉपीराइट टू हिज लाइफ टाइम। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इनमें सिंपल सा रूल है एनोनिमस वर्क में सुडोनिमस वर्क में, जनरल रूल को थोड़ा सा वेरी कर दो। अच्छा क्या था जनरल रूल, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स, तो लाइफ टाइम हम नहीं पकड़ पा रहे कि क्या क्योंकि हमें पता ही नहीं ऑथर कौन है, लेकिन 60 ईयर्स वाली बात तो पकड़ सकते हैं, तो 60 ईयर्स सेलिब्रेट करते हैं। अब वो कहां से, जिस साल वो वर्क पब्लिश हुआ, जिस साल वो वर्क पिक्चर में आया, फिर वही बात, वो साल जिसके वो डेट जिस कैलेंडर में फॉल करती थी वो पूरा चलाना है और उसके अगले साल की पहली डेट से 60 साल हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ये 60 साल यहां पे वो वर्क पिक्चर में आया 18 जुलाई को 18 जुलाई 2019 इस दिन वो क्या हुआ डेट वो वर्क पब्लिश हुआ। अच्छा ऑथर तो पता नहीं है कौन है तो अब इस टर्म में टर्म ऑफ कॉपीराइट क्या होगी, ये किस कैलेंडर में फॉल कर रहा है 2019, तो 18 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक पूरा चलेगा और उसके बाद भी 1 जनवरी 2020 से 60 साल, समझ आ गया। तो क्योंकि जनरल रूल लगाना पॉसिबल नहीं है तो जो हम लगा सकते हैं वही लगा सकते हैं, तो जनरल रूल इस तरीके से हम मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा इसमें भी दिया हुआ, मान लो पहले जो जब वो वर्क पब्लिश हुआ उस टाइम पे इट वॉज एनोनिमस और सुडोनिमस, बाद में आइडेंटिटी रिवील होगी, ये भी तो हो सकता है, मान लो उसकी आइडेंटिटी बाद में उसने खुद रिवील कर दी या फिर बाय एनी मींस उसकी आइडेंटिटी लेट से रिवील होगी। अच्छा अब तो जनरल रूल लगा सकते हैं फिर वही मतलब वो उसी तरीके से बाद में मुटेंडिस चलता रहता है, अगर उसकी आइडेंटिटी बाद में रिवील होगी अब तो जनरल रूल लगा दो लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर कैसे, जिस साल उसकी डेथ हुई वो पूरा उसके अगले साल की पहली तारीख से 60 साल हो, समझ आ गया। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, एक और होता है पॉस्थुमस वर्क, ये तो सुना होगा पॉस्थुमस, अखबार अखबार अगर आप पढ़ते हो तो ये टर्म्स आती रहती हैं, पॉस्थुमस अवार्ड मिला उस बंदे को, क्या होता है पॉस्थुमस, किसी की डेथ के बाद, बिल्कुल कि जैसे हिंदी में बोलते हैं मरणोपरांत, कि किसी की डेथ के बाद, जैसे बोलते हैं ना कि इसको उस बंदे को पॉस्थुमस अवार्ड मिला है, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है बेचारे की पहले और उसकी डेथ के बाद उसको अवार्ड मिल रहा है, अब अवार्ड देने के लिए वो तो है ही नहीं तो इसलिए बोलते हैं इट इज अ पॉस्थुमस अवार्ड, तो मरणोपरांत हिंदी में बोलते हैं कि मरने के बाद पॉस्थुमस वर्क, अपने आप लग समझ आ गया क्या मतलब है, कि क्या
कि जिस बंद जैसे मान लेते हैं ए, उसने उसका कोई क्रिएटिव वर्क था, कोई मूवी डायरेक्ट करी या कोई गाना बनाया या कोई बुक लिखी, वो पिक्चर में बाद में आई, उस बंदे की डेथ पहले हो गई, मान लेते हैं उसकी डेथ यही हो गई और वो वर्क जो है वो पिक्चर में बाद में आया, हो सकता है भाई कोई मूवी बना रहा था बंदा और इतने बड़े बजट की मूवी थी 500-400 करोड़ लगा के बाहुबली टाइप बना रहा था, उसकी भैया डेथ हो गई, अब ये थोड़ी पिक्चर रिलीज नहीं करेंगे, उसके लीगल हेड्स कह रहे हैं भाई इतना पैसा लगा था उनका तो हम उनके नाम पर पिक्चर रिलीज करेंगे, तो टर्म तो लेकिन उसी की थी भैया, काम तो उसका था सारा, बंदे की डेथ पहले हो गई बट द वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही वॉज इंटाइटल्ड टू गेट कॉपी राइट, डेथ वर्क केम इन टू पिक्चर आफ्टर हिज डेथ, समझ आ रहा है केस, समझ आ रहा है ना। अब टर्म ऑफ कॉपी राइट की बात करते हैं, टर्म ऑफ कॉपीराइट क्या होती है, नॉर्मल लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स, लाइफ टाइम कहां से कैलकुलेट करोगे, उसकी तो पहली डेथ हो गई है, मतलब सारे केसेस वो ये लगा रहे हैं कि जिसमें लाइफ टाइम से कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, अब इस केस में कैसे लगाओगे, उस बंदे की डेथ पहले हो गई है, हाउ विल यू कनेक्ट द टर्म ऑफ कॉपीराइट टू हिज लाइफ टाइम, तो सेम सिंपल सी बात आप अपने आप बता दोगे आंसर क्या होगा, क्या जब वो वर्क पब्लिश हुआ पिक्चर में आया वो जिस डेट में वो जिस डेट को है वो डेट जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करती है वो कैलेंडर ईयर पूरा उसके अगले साल की पहली तारीख से अगले साल, सेम वो जनरल रूल है वो उस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, समझ आ गया, तो इस तरीके से ये थोड़ा ओवरऑल जो टर्म ऑफ कॉपीराइट की बात है इस तरीके से काम चलता। अच्छा एक और केस डालते हैं, लो ये मैं अपने आप से नहीं डाले जा रहा हूँ कि आपको कि सर अपने आप ही उसको बनाने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अपने आप केस बनाए जा रहे हो, आपके सिलेबस में है सब कुछ। अच्छा कोई जॉइंट ऑथर्स हैं और केस स्टडी आ जाती कभी कभी इनके ऊपर, जॉइंट ऑथर्स हैं, जॉइंट ऑथर मतलब हो सकते हैं जॉइंट ऑथर, मैं दो लोगों का कॉपीराइट है किसी एक चीज में, हमारा ही ले लो कि हमारी बुक है इसमें आप देखोगे तो सबका, मतलब अगर कोई जैसे मेरी फाइनल की कोई बुक है तो उसमें मेरा भी कॉपीराइट है और संगीत के सर का भी कॉपीराइट है, उसमें लिखा होता है क्योंकि नाम तो दोनों का आ रहा है तो दोनों का कॉपीराइट है, तो वी आर जॉइंट ऑथर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, तो इस केस में टर्म ऑफ कॉपीराइट नॉर्मल टर्म होती है लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स, लाइफ टाइम ऑफ विच ऑथर, दो ऑथर है कौन से ऑथर की लाइफ टाइम, जो कॉमन सेंस लगा लो अपने वही आंसर होगा जो आपने बोल भी दिया, क्या जो लास्ट में जिसकी डेथ होगी, जैसे ये ए और बी दीज वर द टू ऑथर्स और जॉइंट ऑथर्स है, दोनों दे वर बोथ एंटाइटल टू कॉपीराइट इन अ पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर बुक, तो वर ये कॉपीराइट शुरू कहां से होगा, रजिस्ट्री के डेट से या फिर जिस दिन पिक्चर में आया, जिस दिन पिक्चर में आया चलेगा कब तक, पहले लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर तक, मान लेते हैं ए की डेथ हो गई यहां, ए डाइड हियर, क्या लाइफ टाइम वाला कंसेप्ट खत्म, नहीं, अब जब वो खत्म कब होगा, जब बी की डेथ हो जाएगी, तो बी की डेथ होगी मान लो यहां, अब लाइफ टाइम वाला जो प्रिंसिपल था वो यहां से लेके यहां तक चलेगा, यहां तक नहीं यहां तक, द ऑथर हु डाइड लास्ट हिज डेथ विल बी कंसिडर्ड, और यहां से क्या होगा फिर वही बात जनरल 60 साल, कैसे जिस डेट जिस कैलेंडर ईयर में इसकी डेथ हुई है उसके वो साल पूरा अगले साल की पहली तारीख से 60 साल, समझ आ गया, तो अब सारे केस मेरे ख्याल से अब तो कवर हो गए, अभी भी कोई आ गया तो अलग बात है वो तो केस टू केस में कुछ भी निकल सकता है, लेकिन हाँ आपके मॉड्यूल वगैरह में इतने ही दिए हुए हैं, समझ आ गया, फिर रिवाइज तो ना करूँ फिर से कि टर्म 60 फिर से ही फटाफट लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स, बस इतना रख लो 60 साल कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं वो बताओ आपको, कैसे जिस कैलेंडर ईयर में उसकी डेथ हुई है वो पूरा, मतलब कहने का मतलब ये भूल मत जाना कि जिस कैलेंडर ईयर में उसकी डेथ हुई है आप सोचोगे कि यहां से यहां तक चलेगा ही नहीं, वो चलता है वो, क्योंकि लॉ में लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लिखी है इसलिए समझ इंटरप्रेट करने में दिक्कत होती है, वो कैलेंडर ईयर पूरा चलता है और उसके बाद के 60 साल वहां से काउंट, क्लियर, ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा जब रजिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा और अच्छे से। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, चला लो ना उधर है वो तो इतनी दूर, चलो दिक्कत आएगी तो बता देना, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, लेट्स से ए क्रिएटेड सम क्रिएटिव वर्क, कोई भी अच्छा वो क्रिएटिव वर्क उन 6 में फॉल कर, अब सारी चीजें लिंक करते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसने मान लो कोई क्रिएटिव वर्क किया, वो क्रिएटिव वर्क वैसा होना चाहिए जो उन 6 में फॉल करे पहली बार, अब मान लो
एक मैंने कॉन्सेप्ट पहले बता दिया, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी के ऑप्शनल है, ऑप्शनल मैंने अभी बता दिया आपको पहले ही कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इट इज प्योरली एन ऑप्शनल कॉन्सेप्ट, मतलब मर्जी है तो कराओ, नहीं मन करे तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो इनवैलिड है, नहीं जब है ही ऑप्शनल। लेकिन एक चीज आपको हो सकता है केडीएस भी कहीं ना कहीं बार बार पढ़ाते हो या रिपीटेटिव चीज है ये कि कभी भी लॉ में अगर किसी चीज का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल दिया हुआ है, कभी भी एक स्टैंडर्ड रूल है ये, कहीं भी लगा लेना, कहीं भी अगर किसी भी चीज का कंसेप्ट अगर दिया हुआ है कि इसकी रजिस्ट्री कराना ऑप्शनल है, तो अगर आप कराओगे तो यू विल बी ऑफर्ड सडन एडवांटेजेस, अगर नहीं करवाओगे यू विल बी ऑफर्ड, मतलब आपको अपने आप वो एडवांटेजेस नहीं मिलेंगी तो आपके लिए वो डिसएडवांटेज बन जाएगी। पढ़ा कभी ऐसा? जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जो पार्टनरशिप हो, जो स्कूल में पढ़ते भी हो, अच्छा आप 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी वो भी ऑप्शनल होता है, लेकिन वहां पे आपका एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है क्लास 12th में 6 मार्क्स का कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, जिसको आप रट्टे मार गए ये तो पेपर में आ गया। अच्छा उसमें कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए क्या कि अगर एक फर्म अनरजिस्टर्ड है तो अगर उसके पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया देन वन पार्टनर विल नॉट बी एबल टू सू द अदर पार्टनर, एक कॉन्सिक्वेंस। अगला होता है वन पार्टनर विल नॉट बी एबल टू सू द आउटसाइडर, उसके एक्सेप्शन पड़ते हो वगैरह वगैरह, वो अलग बात है। लेकिन हाँ और इतने बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये कि कहने के लिए ऑप्शनल है, लेकिन उन्होंने लॉ ने कंसेप्ट ऐसा डाल दिया कि बंदा ना चाहते हुए भी रजिस्ट्री कराएगा। क्लियर? तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि हम बोल तो रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इट इज एन ऑप्शनल कंसेप्ट, बट अगर एक बंदा ने इतनी मेहनत लगा के कोई काम किया है, लॉ ने एडवांटेजेस ऐसी दी हुई कि वो खुद चाहेगा कि मैं रजिस्ट्री करवा लूं, कि मेरी इतनी मेहनत जो है वो वेस्ट ना चली जाए, एंड इट इज एडवाइजेबल टू गेट योर कॉपीराइट रजिस्टर्ड, ऑल्दो नॉट मैंडेटरी बट इट इज स्टिल एडवाइजेबल। अब मैं जैसे क्या एडवांटेज होती है सबसे पहले भी बता देता हूं, एक लाइन आप ये लिख भी लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कॉपीराइट। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कॉपीराइट। अब इसका मतलब देखते हैं, वैसे समझ आ गया होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कॉपीराइट, और बहुत इंपॉर्टेंट है यही यही एक एडवांटेज है कि रजिस्ट्री कराने की एडवांटेज क्या है, ये जो लिखी हुई है बस एक ही एडवांटेज है, लेकिन वो एक अपने आप में बहुत बड़ी एडवांटेज है। क्या मतलब? अच्छा इतना आप लॉ पढ़ चुके, ये टर्म तो आई चुकी होगी 10 बार, प्राइमा फेसी क्या मतलब? ऑन द फेस ऑफ इट, कि पहली नजर में, ये नहीं कि पहली बार देखने में क्या इंप्रेशन दिमाग में आता है, दैट मीन्स प्राइमा फेसी, कि पहली नजर में मुझे देख के ऐसा लग रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट। अब इसको इसमें लिंक करके देखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कॉपीराइट, क्या मतलब? खुद लगाओ क्या मतलब हुआ, कि अगर किसी चीज में किसी का कॉपीराइट है प्राइमा फेसी, अच्छा फर्क है प्राइमा फेसी और कंक्लूसिव में, फाइनल नहीं है वो, लेकिन पहली नजर में जो इंप्रेशन आता है वो याद है कि हाँ यही बंदा सही में ऑनर है इस चीज का। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, ये ए है, कोई बुक लिखी, कोई मूवी बनाई, कोई गाना बनाया, कुछ भी 6 के 6 कामों में से कुछ भी करा, लेट से उसका कॉपीराइट जो है उसने उसकी रजिस्ट्री करवा ली, ऑप्शनल था उसने करवा ली। अब मान लेते हैं कि अच्छा कल को डिस्प्यूट नहीं हो सकता, कल को मान लो उठ के कोई बी आ गया, वो कह रहा है ये कैसे हो गया, ये तो मेरा कॉपीराइट है, इस चीज में मेरा कॉपीराइट होना चाहिए, ये कहां से बीच में उठ के आ गया, मतलब ये अब हमें क्या पता कि कौन सच्चा कौन झूठा है, मैं तो अब हमें क्या पता ए और बी है कौन, आप हो गए सर कौन सच्चा इनमें से ए के बी, हमें क्या पता, मैंने तो ऐसी एग्जांपल बना दी कि एक ए है एक बी है, अल्टीमेटली दिस डिस्प्यूट विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट या कोर्ट्स के पास जाएगा। तो मान लेते हैं कोर्ट के पास ये डिस्प्यूट चला गया कि ए ने एक पहले कोई काम किया हुआ है, उसका कॉपीराइट है और उसके अंदर उसने रजिस्ट्री करवा ली, और बी उठ के आ गया कल को और वो कह रहा है कि यार ये तो मेरा कॉपीराइट है, हाउ कैन ए बी सपोज टू यूज दिस कॉपीराइट। अब इट इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड कि हु इज राइट और हु इज रॉन्ग, बट ये जो प्रिंसिपल, ये मैंने प्रिंसिपल लिखा है, इट इज नॉट मेंट फॉर अस, इट इज मेंट फॉर द जुडिशरी टू फॉलो। इसको लगा के देखो, अच्छा कोर्ट के पास जब ये डिस्प्यूट आया,
ये अब ये कोर्ट इस डिस्प्यूट को हैंडल करते टाइम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगी. लगाओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कॉपीराइट. दोनों बंदे बोल रहे हैं, ए भी बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं कि इस चीज में मेरा कॉपीराइट है. तो देखा जाए तो दोनों कह रहे हैं कि हम ऑनर हैं इस चीज के, बट किसका कॉपीराइट रजिस्टर्ड है? अच्छा, रजिस्टर्ड तो किसी एक का ही होगा. कॉपीराइट एक्ट अभी पढ़ाऊंगा, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर किसी एक का ही होगा. तो जिसका कॉपीराइट रजिस्टर्ड होगा, हम ये माने पहली प्रेफरेंस हम उसको देते हैं कि हाँ, प्राइमा फेसी एविडेंस तो यही है कि इसी यही बंदा एक्चुअली में ऑनर है. और इस केस में जो कि कौन है, ए. तो कोर्ट प्राइमा फेसी, मैं फिर बोल रहा हूं प्राइमा फेसी, कंक्लूसिवली नहीं. ये मतलब नहीं हो कि अगर आपका कॉपीराइट रजिस्टर्ड है तो आप ही जीतोगे केस, ये नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं. लेकिन कोर्ट पहली नजर में प्रेफरेंस आपको देगी. और इसको उल्टे वर्ड में बोलो, सिंपल तरीके में, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर होगा? बी के ऊपर होगा. मतलब जो ऐसे बोलो, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कंप्लेनेंट के ऊपर. बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब जिम्मेदारी टू ये साबित करने की जिम्मेदारी कि भैया, अच्छा बी चैलेंज करे ना कि ये मेरा कॉपीराइट है और ए का नहीं है, तो तू चैलेंज करे तो तू प्रूफ भी कर. ए को कुछ नहीं करना पड़ेगा. मान लो ए आप हो तो और आपका कॉपीराइट रजिस्टर्ड था, एंड लेट्स से अनफॉर्चुनेटली दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट अरोस, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गई. अब आप कुछ नहीं करोगे, आप चुपचाप बैठे हो. आप बोलोगे मेरा कॉपीराइट रजिस्टर्ड है और मुझे पता है कि मैं जेन्युइन ऑनर हूं, आई डोंट नीड टू वरी, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कोई सामने वाला अगर मेरे पे इल्जाम लगा रहा है तो इट इज हिज बर्डन, इट इज हिज ड्यूटी, ओनर्स इज ऑन हिम टू सेटिस्फाई द जुडिशरी कि वो ए का कॉपीराइट नहीं है, मेरा कॉपीराइट है. ए को कुछ नहीं करना पड़ेगा. अच्छा, हैड इट बीन द अदर वे राउंड कि अगर ए का कॉपीराइट रजिस्टर्ड ना होता, दोनों में से किसी का कॉपीराइट रजिस्टर्ड नहीं है, फिर क्या होता? फिर दोनों को प्रूफ करना पड़ता. ए भी प्रूफ करता अपनी तरफ से एविडेंस देके कि नहीं ये मेरा कॉपीराइट है, ये ऐसे ऐसे. फिर बी भी करता, फिर जुडिशरी डिसाइड करती. ये एक्चुअली है, ये अभी आपको इस चीज की ना सिग्निफिकेंस हो सकता है समझ ना आ रही हो, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट. क्योंकि हम बोलते हैं जुडिशियल लाइन में, ये फाइनल में बहुत डिटेल में आती चीजें, जुडिशियल लाइन में ना, कि मान लो कोई केस कोर्ट में चला गया, हम बोलते हैं जिस पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना, बहुत मुश्किल है उसको प्रूफ करना. मतलब जैसे इस केस में हम बोल रहे हैं बी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, ओनर्स इज ऑन हिम टू प्रूफ टू द कोर्ट कि ये मेरा कॉपीराइट है, ए का नहीं है. ये लगा लो जिस पार्टी के ऊपर बर्डन होता है 70-80% केसेस में वो हारती ही है. ये कोई रूल लॉ नहीं है, ये रूल नहीं है, मतलब मैं जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि ऐसा होता है. और आप खुद भी एक्सपीरियंस, क्योंकि कोर्ट में कोई चीज प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि अच्छा, एक दोनों में फर्क होता है. एक चीज मैं बोलूं, ये सच है, और यही जरूरी है कि जो चीज सच है वही कोर्ट भी उसको सच माने. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता भैया जो कानून है वो तो अंधा है, वो भैया सीधा क्या मैंने, वो भैया वो फैसलों एविडेंसेस वगैरह तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रख के फैसला सुनाएगा. अब कोई बंदा सच बोल रहा है, जितना भी वो सच बोल ले, लेकिन कोई सबूत नहीं है उसके पास. जैसे मैं फॉर एग्जांपल की किसी को भैया किसी ने थप्पड़ मार दिया, अब वो कह रहा है मेरे को, जो जिस बंदे को थप्पड़ पड़ा है वो कह रहा है हाँ मेरे को थप्पड़ पड़ा है, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है. तो कोर्ट कहेगी भाई कैसे मान ले तूने, इसने तेरे को थप्पड़ मारा है? अब वो जितना भी सच बोल रहा हो, सच तो धरा का धरा रह गया. असली बात जो कोर्ट में हुई है वो गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रख के ही होती है, है ना, समझा? तो इसीलिए अब बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब कहने का मतलब अब बी को एविडेंस देना पड़ेगा. इतनी तरीके से अपनी बात समझानी पड़ेगी कि देखो मेरा कॉपीराइट है, ये मैंने इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, ये बुक मैंने लिखी थी पहले. हाँ, अगर कर सकता तो कर दे, अगर कोई बहुत स्ट्रांग एविडेंस है. और दूसरी बात, अगर इतना ही देखो प्यार है अपने कॉपीराइट से तो रजिस्ट्री करा था भाई, ये ना सब, तो मतलब इस तरीके से भी बात समझ लो कि इतना ही देखो अब क्यों उठ के आ गया, इतनी चिंता थी तो पहले रजिस्ट्री करा था. और क्योंकि रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई इतना टेक्निकल प्रोसीजर नहीं है, तो आपने रजिस्ट्री कराई क्यों नहीं? तो इसी वजह से मैं बता रहा था कि ऑल्दो ये कंसेप्ट है ऑप्शनल, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस इतने वास्ट हैं कि अपने आप कोई बंदा चाह के भी क्या कराता है, रजिस्ट्री कराता ही कराता है. क्योंकि उसको पता है मैंने इतनी मेहनत करी है यार, इतनी मेरी मेहनत, एक छोटे से प्रोसीजर 5-10 हज़ार लगते हैं रजिस्ट्री हो जाती है, 10 हज़ार से भी ऊपर नहीं लगने. वो क्योंकि मैंने इतने से टेक्निक, मतलब छोटे से अमाउंट की वजह से या थोड़ी सी टेंशन लेने के चक्कर में मैंने अपना इतनी बड़ी टेंशन बढ़ा दी, फायदा क्या? तो लोग अपने आप रजिस्ट्री करा लेते. क्लियर? आप अपने ऊपर लगा सोचे देखो ना, किसी म्यूजिक, किसी मूवी मेकर ने, फिल्म मेकर ने मूवी बनाई, उसका कॉपीराइट ही नहीं कराएगा क्या? वो अपने आप कराते हैं, वो लिखा, और उसके डिस्क्लेमर में लिखा भी आता है कि दिस इज द कॉपीराइट वर्क ऑफ सो एंड सो फिल्म, इस कंपनी का कॉपीराइट है इसके अंदर, कि इसकी कोई गलत काम करेगा तो इट विल अमाउंट टू इंफ्रिंजमेंट. तो चलो सो बात की एक बार, रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल, और अगर कराओगे तो एडवांटेज मिलता है आपके साथ. समझ आ गया तक? अब इसका प्रोसीजर समझते हैं.
ठीक है, हमने बोल दिया कि रजिस्ट्री कराना ऑप्शनल है, मैंडेटरी तो है नहीं, लेकिन अगर कोई कराना चाहेगा तो किस तरीके से करा सकते हैं, उसका प्रोसीजर दिया हुआ है कॉपीराइट एक्ट में। अच्छा, यही तो मेरा हमें पढ़ना है, क्योंकि आपकी आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने आपको यही लिंक करा था कि कोई ए है, आप ए थोड़ी हो कि जिसका कॉपीराइट है किसी चीज में, आप नहीं तो उसकी रजिस्ट्री करा के देनी है, वो आपके पास आएगा क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, और वो आपके पास आके बोला करेगा कि भाई मेरे कॉपीराइट है इस चीज में और उसकी रजिस्ट्री करवा दे, क्योंकि उसको तो आता नहीं है सब काम, आपको आता होगा क्योंकि आप यहाँ आज 10:30 बजे की क्लास में पढ़ रहे हो ना कि रजिस्ट्री किस तरीके से होती है, क्या होता है। यहाँ अगर ये सिलेबस में ना होता तो आपको भी ना पता लगता, इसीलिए ऐसे ने डाला। तो उसका प्रोसीजर समझ लेते हैं कि व्हाट इज द एंटायर प्रोसीजर टू गेट द कॉपीराइट ऑफ समवन रजिस्टर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957। आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, एप्लीकेशन लगेगी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। और ये एप्लीकेशन लगेगी किसको? टू द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। है ये भी ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, लेकिन कंपनी सेट वाला नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स। हर एक्ट के अंदर जनरली रजिस्ट्रार्स होते हैं। अच्छा, सेल डीड की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ लिया? रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा अभी तक? ठीक है, अभी आएगा आपका JIGL वगैरह में। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट आपके सिलेबस में कि कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम लोग, उनकी रजिस्ट्री कराते हैं। सुना होगा कि किसी ने किसी को घर बेचा तो जो कागज होते हैं उनकी रजिस्ट्री कराई जाती है, प्रॉपर्टी के पेपर्स की रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो क्या ROC के पास जाओगे कंपनी सेट वाले की भैया आप हमारी रजिस्ट्री कर दो? वो क्या मेरा भी मेरी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है ये। तो हर एक्ट के अंदर वो, अब रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अलग से सब रजिस्ट्रार होते हैं, वो अलग रजिस्ट्रार हैं। तो हर एक्ट के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रार्स होते हैं, सबका काम अलग अलग है। वो अलग बात है, आपने अभी तक ROC पढ़ा तो उसी तक दायरा अपना सीमित मत रखना कि ROC ही रजिस्ट्रार होता है। हर एक्ट के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रार्स होते हैं, सबका काम अलग अलग है ना। सब जो सेल डीड ये जो डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रार होते हैं, इनका काम होता है डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री करना। कंपनीज एक्ट में जो अच्छा वो कंपनीज की रजिस्ट्री करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन इशू करते हैं? रजिस्ट्रार ROC का इशू करते हैं। तो सिर्फ वही बात, तो वो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट ये किसकी रजिस्ट्री करता है? रजिस्ट्रार ऑफ ये इसकी कॉपीराइट की। अभी पेटेंट ट्रेडमार्क पढ़ाऊंगा उनमें अलग अलग है, रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट वो अलग करते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपने किसको लगानी है? रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट को। अब एक एक करके समझते हैं चीजें। जैसे मैंने बोला प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब फॉर्म कौन सा? अच्छा, प्रिस्क्राइब कौन करते हैं? गवर्नमेंट करती है। रूल्स में आप देखते तो हर बार कंपनी एक्ट में सर पढ़ाते होंगे कि जहां भी वर्ड लिखा होता है कि एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो जब भी एक्ट के अंदर ऐसी लैंग्वेज लिखी होती है कि ये एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो जनरली प्रिस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। कंपनी एक्ट तो चली पूरा इसी के बेसिस पर है। ये ऐसे ही हम बोलते रहते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि सर भी ऐसे ही आपको कि कंपनी लोग इन्होंने इतना पढ़ लिया इनको तो सब कुछ आता होगा। जैसे सर उस दिन भी बोल रहे थे कि ये तो धुरंधर है, छोटे मोटे चैप्टर इनके लिए क्या है। मतलब मुझे तो डर लगता है भी ऐसा है भी। तो प्रिस्क्राइब कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। तो आप देखो कंपनीज एक्ट पूरा चली रूल्स के बेसिस पर है। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, कंपनीज ये MBP रूल्स, सारे रूल्स में सबको ज्यादा बातें दी हुई हैं, एक्ट के अंदर कम दी हुई हैं। सिमिलरली कॉपीराइट से रिलेटेड भी रूल्स हैं, और उन रूल्स का नाम है कॉपीराइट रूल्स 1958। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे ही बता रहा हूं, कॉपीराइट रूल्स 1958। तो हम जो बात बोल रहे हैं ना कि एप्लीकेशन लगेगी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, तो फॉर्म का जो आप एप्लीकेशन लगाओगे उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। वो फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? इन कॉपीराइट रूल्स के फर्स्ट शेड्यूल में। अच्छा, एक्ट के बाद शेड्यूल्स होते हैं, रूल्स के बाद भी शेड्यूल्स होते हैं। तो इन कॉपीराइट रूल्स के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या दिया हुआ है? आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। यू आर नॉट सपोज टू गो थ्रू द फॉर्मेट, बट आपको ये पता होना चाहिए बस इस सिलेबस में कि हाँ ये शेड्यूल की फर्स्ट शेड्यूल के अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या फॉर्मेट? अगर आपको वैसी अपनी जनरल नॉलेज के लिए जानना है, नेट पे सीधा गूगल पर टाइप कर दो ये कॉपीराइट रूल्स, सीधा बेयर एक्ट खुल जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल में चाहे आप देख भी सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन आपके पेपर का पार्ट नहीं है। आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए, कि वैसे ऐसा है नहीं कि आपको एक भी कोई ट्राई करने वाला है आप में से, या आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया और यार इंटेलेक्चुअल मजा आ रहा है कॉपीराइट पेटेंट, तो आपका मन करे
वेले बैठे हो, कुछ काम नहीं है तो कर लेना, लाइक आपका पेपर का पार्ट नहीं है, तो एप्लीकेशन लगेगी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, और वो फॉर्म 4 है वैसे, उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 4। और अच्छा, फीस भी लगेगी साथ में, फीस कितनी लगेगी वो भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पे इतना दिया हुआ है कि वो फीस कितनी लगेगी, वो दिया हुआ है कॉपीराइट रूल्स के सेकंड शेड्यूल में कि कितनी फीस लगेगी। ज्यादा फीस नहीं लगती, 500-1000 ऊपर की फीस नहीं लगती, तो वो सेकंड शेड्यूल में दी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोला, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये क्या होता है, दिल्ली किसी को अपनी पावर, ये तो हमने कंपनी सेट में भी पढ़ा हुआ, पावर ऑफ अटॉर्नी कहां पढ़ा था, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उस टाइम पे भी इसका रेफरेंस आया होगा इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर में। चलो ठीक है, छोड़ो, कोई चीज पूछ के ही गलती हो जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट का, ये देखो नाम है पावर, पावर ऑफ अटॉर्नी, तो आपको लगे कोई ताकत है, हाँ ताकत ही है, लेकिन ये पावर ऑफ अटॉर्नी इट इज अ नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एक कागज के टुकड़े का नाम होता है, और किस कागज के टुकड़े का नाम होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, मेरे पास कोई पावर है बट मान लो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज मैं वो काम खुद नहीं कर पा रहा, लेकिन पावर तो मेरी है। अच्छा, कैन आई डेलीगेट दैट पावर टू समवन एल्स, मैं किसी और को काम दे देता हूँ, या मैं नहीं जा पा रहा। अच्छा, सिंपल है, जो आप कंपनी से अपने प्रॉक्सी पढ़ते हो, तो वो प्रॉक्सी फॉर्म जो होता है ना, दैट प्रॉक्सी फॉर्म इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। अच्छा, प्रॉक्सी क्या, प्रॉक्सी फॉर्म जो होता है वो कौन फिल करता है, शेयर होल्डर, और उसके थ्रू वो किसको अपॉइंट करते हैं, किसी प्रॉक्सी को। क्यों अपॉइंट करते हैं, कि मेरे बिहाफ में तू जनरल मीटिंग में जा और वोट कास्ट करके आ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे, किसी और को पावर दे क्यों रहे, क्योंकि उसके पास या तो खुद नॉलेज नहीं है, नहीं या टाइम नहीं है, इसी वजह से जा रहा है ना। तो सेम, तो जो प्रॉक्सी फॉर्म होता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, तो पावर ऑफ अटॉर्नी इट इज ऑनली अ डॉक्यूमेंट बाय विच वन पर्सन डेलीगेट्स हिज पावर टू सम अदर पर्सन, समझ आ गया। तो यहां पे पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या काम है, यहां ये क्यों बोल रहे पावर ऑफ अटॉर्नी, कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी होती होगी, क्या हो गया, सिंपल सा तो है, जो बोलोगे वही आप जो सोच रहे हो वही आंसर है, बोलो, बिल्कुल सिंपल सी बात। आप सोच के देखो, कंपनी लॉ में भी तो पढ़ते हो, अच्छा ये जो प्रोसीजर हम फॉलो करवा रहे हैं, ये कॉपीराइट तो एक है, तो एक ही पावर है रजिस्ट्री कराने की, आपने कोई कोई बुक लिखी, मैं आपके पे चले जाऊँ, मैं अपने आप चले जाऊँ, अरे ये इनका कॉपीराइट मैं रजिस्टर कराने आया हूँ, मैं कौन होता हूँ, जिसने वो काम बनाया है वही रजिस्ट्री कराएगा ना, तो इट इज द ओरिजिनल वर्क ऑफ ए, लेकिन ये ए के बिहाफ पे कर कौन रहे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अभी मैंने बताया इधर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, यहाँ पे दोनों है, उसको टाइम भी नहीं है उसके पास इतना ज्यादा, और वो कह रहा है मेरे पास नॉलेज भी नहीं है, मुझे नहीं आता ये रजिस्ट्री कराने का, तभी तो आपको पकड़ा भाई, तू पैसे ले और काम कर मेरा, तेरा इतना सा काम है, 10-15 हज़ार ले अपनी फीस ले और चलता पर, आपको बोला जा रहा है सब, हाँ मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ए बोल रहा है। तो अब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ए के बिहाफ पे क्या करेगा, सारे काम करेगा, और वो रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं और सर्टिफिकेट वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं और ए के बिहाफ पे फॉर्म फाइल कर रहे हैं, यही हो रहा है ना, मतलब फॉर्म फिल ए से करवाएगा, उसकी डिटेल्स ले लेगा, लेकिन भरेगा तो खुद, और सब जो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट है उससे डीलिंग ए करेगा कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करेगा, या आप लोग करोगे, सीएस करेगा। रजिस्ट्रार को सपने आ रहे हैं क्या कि भैया तू कौन है, और आप मान लो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को पता है कि मुझे ए ने अपनी पावर डेलीगेट करी है, ए को पता है कि मैंने अपनी पावर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को डेलीगेट करी है, लेकिन इसको सपने थोड़ी आ रहे हैं कि इसको इसने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है, उसको तो बताना पड़ेगा ना आपको कि हाँ भाई मेरे पास ये पावर है और मेरे को ये पावर उसी ने दी है जिसका ये काम है, तो उसको प्रूव करने के लिए यू हैव टू सबमिट अ पावर ऑफ अटॉर्नी ऑल्सो, इफ एनी, ये लिख भी लो जाए, इफ एनी क्यों लिख दिया मैंने, हो सकता है एक खुद चला जाए, अगर एक को नॉलेज है, जैसे मान लो आप लोग आप सब खुद सीख भी गए सब कुछ कि किस तरीके से रजिस्ट्री होती है, आपने कल को खुद एक बुक लिख दी या कोई गाना कोई अपना बना दिया वीडियो यूट्यूब पे चल गया वायरल हो गया, आपने अपना क्या करते उसको कॉपीराइट करना चाह रहे हो कि नहीं मेरा काम है भैया मैंने वीडियो बनाई है अपनी बीबी की वाइंस की तरह आप लोग चल गए, तो आप क्या करा रहे हो, आप उसकी रजिस्ट्री आप कराने जा रहे हो, तो आपको आप कह रहे हो काम भी मेरा है और रजिस्ट्री करानी मुझे खुद भी आती है, तो खुद ही करा लोगे, तो उसके इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी लगाओगे क्या, अब फिर रट मत लेना कि अपने आप को मैं अपने नाम में पावर ऑफ अटॉर्नी बना देता हूँ, वो क्यों लगेगी, आप खुद आपका ही काम है और आपको आता भी है प्रोसीजर, उसके इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी जाएगी क्या, आप खुद ही लगा रहे हो, किसी को पावर डेलीगेट थोड़ी कर रहे हो, तो इन दैट केस पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ता है, हाँ लेकिन ज्यादातर केसेस में पावर ऑफ अटॉर्नी लगती है, ठीक। तो ये और कंपनी से भी तो यही पढ़ते हो आप कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ पे सारे फॉर्म्स मेमोरेंडम फाइल करता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे,
आर्टिकल्स फाइल करता है, फिर सारी चीजें डिन सब वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन, ये सब चीजें ऑब्टेन करता है, DI-12 वगैरह सारे फॉर्म फाइल करता है, फिर एंड में सर्टिफिकेट कलेक्ट करता है, तो उसके लिए भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल करवाते हैं। ठीक, तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट इसको फाइल कर दिए रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, अब आपका काम खत्म। ये आप मतलब आपका आपके पार्ट पे जो प्रोसीजर फॉलो होना था यू हैव कॉम्प्लाइड विद द सेम। अब ये देखते हैं ये क्या करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट क्या करते हैं। जब रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के पास आपकी एप्लीकेशन आती है, अच्छा क्या रजिस्ट्रार सीधा आपकी एप्लीकेशन को भैया एक्सेप्ट कर लेता होगा और सीधा आपको आपको कॉपीराइट रजिस्टर कर देता होगा? नो, क्या करता होगा पहले एक इंक्वायरी करता होगा, चेक करता होगा कि इस काम में पहले से किसी का कॉपीराइट तो नहीं है। उसका तरीका क्या होता है, मान लो कि रजिस्ट्रार ने बिना चेकिंग वेकिंग करे, मान लो ऐसा होता नहीं, बिना चेकिंग वेकिंग करे बिना कुछ देखे सीधा उसने क्या कर दिया, हाँ ए के नाम में एक कॉपीराइट रजिस्टर कर दिया। कल को मान लो डिस्प्यूट उठ गया, कल को कोई बी उठ के आ गया, वो कह रहा है ये तो मेरा कॉपीराइट है, तो डिस्प्यूट आ गया। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच डिस्प्यूट्स विच मे हैपन एट अ लेटर स्टेज, जो अभी हम फोर्सी नहीं कर पा रहे बट चांसेस हैं, इसलिए रजिस्ट्रार कहते हैं कि ऐसे डिस्प्यूट्स पैदा ही क्यों होने थे, हम मतलब अराइज ही क्यों हो रहे हैं, ऐसा करते हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और क्या प्रोसीजर, जो इस एक ही एप्लीकेशन है ना, जो उसने फॉर्म फिल करा है, जो फॉर्म 4 जो दिया हुआ, उस एप्लीकेशन की उस एप्लीकेशन को पब्लिसाइज कराया जाता है और न्यूज़पेपर्स वगैरह में उनको क्या कराया जाता है, पब्लिश कराया जाता है। अब वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन वैसे ही बताया, तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर इंग्लिश नेशनल डेली, एक इंग्लिश नेशनल डेली न्यूज़पेपर में उस आपकी एप्लीकेशन को क्या कराया जाता है, पब्लिश कराया जाता है सिर्फ उसमें। क्या इंग्लिश नेशनल डेली मतलब, ये तो पढ़ते भी रहते हो क्या, हिंदी नेशनल डेली कभी आया कम में टर्म आया तो होगा, ऐसा हमें याद नहीं हो, अलग बात है कि ये एप्लीकेशन हिंदी नेशनल डेली न्यूज़पेपर में लगेगी, इंग्लिश नेशनल डेली न्यूज़पेपर में, चलो इतने सारे बोल रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई चढ़ जाओ, इतनी आया लेकिन होना मतलब इतना सारा पढ़ ले तो आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं। इंग्लिश नेशनल डेली मतलब कम्युनल में ज्यादा चीजें यूज होती हैं, कि ये एप्लीकेशन इंग्लिश नेशनल डेली न्यूज़पेपर, मतलब एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कि नेशनल लेवल पे है और डेली, बस तीनों बात, इंग्लिश नेशनल डेली न्यूज़पेपर, अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है और नेशनल लेवल का, मतलब अच्छा कोई कोई न्यूज़पेपर रीजनल होते हैं कि भैया ये इसी स्टेट में आते हैं, होते हैं कि दिल्ली के लिए है, ये पंजाब के लिए है, अलग अलग, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, उनके एडिशन अलग आ रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का दिल्ली एडिशन अलग है, पंजाब एडिशन अलग है, लेकिन नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर नेशनल और जो डेली आता हो, अच्छा कुछ कुछ होते हैं जो सैटरडे संडे को नहीं आते, या कुछ कुछ होते हैं जो संडे को नहीं आते, तो ऐसे में नहीं जो हर दिन आता हो, अब टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सच न्यूज़पेपर्स। तो आपको किसी ऐसे न्यूज़पेपर में, इंग्लिश नेशनल डेली न्यूज़पेपर में, आपको ये जो रजिस्ट्रार है वो ये एप्लीकेशन को क्या करेगा, पब्लिश करवाएगा। अच्छा ये कराने का पर्पस क्या है, हाँ कि किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है, अब देखो अब वो बंदा अगर अखबार ही नहीं पढ़ता होगा तो फिर तो उसको पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा सेंसिबल बंदा है तो अखबारें पूरे पढ़ता होगा, अगर अखबारें पढ़ रहा है तो उसको ये भी दिखेगा कि अच्छा एक एप्लीकेशन आई है, कि एक ए नाम के बंदे ने एक एप्लीकेशन लगाई है, कि वो इसने एक मूवी बनाई है या फिर कोई बुक लिखी है और उस बुक के अंदर उसका कॉपीराइट है, एंड ही इज डिजायरस ऑफ गेटिंग इट रजिस्टर्ड। बी ने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसको एप्लीकेशन दिखी कि यार यार ये क्या बात है, ये तो मेरी बुक है, ये कौन होता है इसकी वो करने वाला, रजिस्ट्री कराने वाला, तो उसको रजिस्टर होने से पहले ही रजिस्ट्रार ने ऐसा प्रोसीजर बना दिया कि अच्छा 30 दिनों का टाइम दिया जाता है, कि किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है, इफ एनी ऑब्जेक्शन इज देयर फ्रॉम एनी वन, तो उसको 30 दिनों का टाइम दिया जाता है। अच्छा 30 दिन कहां से, जिस दिन ये छपी, जिस दिन आप वो एप्लीकेशन अखबारों में छपी है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना होता है, आपको अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करनी होती है, वो पूरा उसी क्या कहते हैं उसको, ये एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या लिखा होगा सब दिया भी होगा, कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पे मेल कर दो, या फिर इस ऑफिस में आके कॉन्टैक्ट कर लो, या फिर इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो, तो पूरा प्रोसीजर दिया होता है। अभी अखबारों को और में देखना दिख भी जाती है, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में ज्यादा दिखती है, जो पेज आप छोड़ देते हो ना, वैसे अखबार आप पढ़ते ही नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर भूले भटके कभी हाथ लग जाती है, उसमें जो पन्ने आप छोड़ते हो वो यही होते हैं, ये तो कोई कोई पन्ने होते हैं उसमें, वो एक बड़ा सा जो पेज होते हैं, बड़ा सा पेज है उसके अंदर बड़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें दी होती हैं, कि उसके अंदर ये भी इकोनॉमिक टाइम्स में ज्यादा मिलती है, कि किसी कभी कभी वो कम सारी आपके काम की चीजें वो होती हैं, सारा पेपर मतलब सारा न्यूज़पेपर छोड़ दो, वो पेज पढ़ लोगे ना आपके आधे से ज्यादा पेपर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर सारा प्रोसीजर दिया होता है जो आपने करवाना होता है,
उसके ये किसी कंपनी के वाइंडिंग अप का नोटिस आया होता है उसके अंदर, कभी कोई एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया होता है, कंपनीज की बैलेंस शीट वगैरह भी वहां आती है, सब कुछ दिया होता है। चलो छोड़ो, तो अब ये एप्लीकेशन आने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, इसकी पब्लिश करा देगा किसी अखबार में, फिर अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो बता दे। अच्छा, अगर 30 दिन बीत गए कोई ऑब्जेक्शन आई नहीं, क्या मान लेंगे कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन थी नहीं, आपको हमने एक रीजनेबल टाइम दे दिया, इफ विद इन द रीजनेबल टाइम नो ऑब्जेक्शन वॉज रिसीव फ्रॉम द साइड ऑफ एनी वन, वी विल प्रिज्यूम दैट नो वन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। तो मतलब उसके बाद क्या करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन आई नहीं तो रजिस्ट्रार कहेगा हाँ ठीक है ये इसी बंदे का कॉपीराइट है, और इसकी कॉपीराइट की क्या कर देगा, रजिस्ट्री कर देगा और एक सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द कॉपीराइट। समझ आ गया कि मतलब हाँ ये एक ऑनरशिप प्रूव कर रहा है आपकी, कि हाँ आप कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको कि आप ऑनर हो या ना हो, प्राइमा मतलब कोर्ट में डिस्प्यूट होगा तो अलग बात है, लेकिन वैसे आप कोई ऑनर माना जाएगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यही पढ़ते हो, याद है कुछ पढ़ते भी तो इसके ऊपर इतने सारा तो आता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को चैलेंज नहीं कर, मूसा वर्सेस इब्राहिम, मुझे अभी तक केस याद है, मतलब अभी भी होता होगा शायद ये, मतलब कितने टाइम पुराना, मूसा वर्सेस इब्राहिम, कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन नेवर बी चैलेंज, कि वो अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी ने इशू कर दी है तो वो इसका मतलब क्या है कि हाँ आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, इट इज अ फैक्ट नाउ, आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे होता है कि अगर आपका किसी चीज के अंदर रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट दे दिया है तो मतलब अभी आपका क्या है, कॉपीराइट है, इस बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, सर्टिफिकेट है, आप दिखा के कर सकते हो अपनी ऑनरशिप प्रूफ। क्लियर? अच्छा, मान लो किसी की ऑब्जेक्शन आ गई उन 30 दिनों के अंदर, मान लो किसी ने ऑब्जेक्शन रेस कर दी, फिर क्या होगा, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, अच्छा दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा दोनों, और फिर हियरिंग होगी, रजिस्ट्रार क्या करेगा, दोनों पार्टीज को एक डेट दे दिया करेगा कि हाँ इस दिन आके आप अपनी अपनी बातें मेरे सामने पेश करो और तमाम गवाहों और आप अपनी अपनी दलीलें दो, अपने अपने एविडेंस दो, अपने फैक्ट्स प्रूव करो, ए की बात भी सुनेगा, बी की बात भी सुनेगा, सुनने के बाद जिसका पक्ष जिसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा उसके फेवर में क्या आ जाएगा फैसला। अगर सब कुछ बातें सुनने के बाद भी अगर रजिस्ट्रार को लग रहा है कि नहीं ये बी पागल बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ए का ही एक्चुअल में कॉपीराइट है, तो ए को सर्टिफिकेट दे देगा, अगर नहीं लग रहा तो एक और सर्टिफिकेट नहीं मिले, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का फीस रिफंड नहीं होती है, जो आपने फीस फाइल करी थी वो फिल करी थी वो रिफंड नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं होता, वो फीस जो आपने दे दी वो सब दे दी, अब वो रजिस्ट्री हो या ना हो इट इज इररिलेवेंट। मतलब ये वैसे क्वेश्चन बनाने का नहीं था, लेकिन मुझे लगा आपके दिमाग में, क्योंकि पिछले बैच में आया था वो, मतलब वो पैसों के टर्म्स में ज्यादा है कि सर वो फीस हमने फाइल कर दी वो रिफंड हो जाएगी क्या अगर रजिस्ट्री नहीं हुई, नहीं होती। क्लियर? तो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर टू गेट योर कॉपीराइट रजिस्टर्ड। समझ आ गया? अच्छा, एक छोटी सी बात और इसी के अंदर मेरे को देख के याद है। अच्छा, मान लो किसी बंदे का, इस ए का, उसने जरूरी है कि एक ही क्रिएटिव वर्क क्रिएट करे, उसने मान लो 3-4 क्रिएटिव वर्क एक साथ क्रिएट कर दिया, या दो मान लेते हैं, उसने मान लो 2 बुक लिख दी, या मतलब अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर एक साथ, और उन दोनों की रजिस्ट्री एक साथ करवा रहे हैं, या फिर कोई फिल्म मेकर है। अच्छा, कई बार होता है फिल्म मेकर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वही सॉन्ग कंपोजर भी होता है, विशाल भारद्वाज इज द बेस्ट एग्जांपल, कि वो डायरेक्टर भी खुद होते हैं जनरली, प्रोड्यूसर भी होते हैं और लिरिसिस्ट भी होते हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी खुद होते हैं, तो वो ज्यादा, अनुराग कश्यप भी म्यूजिक डायरेक्टर की साइड में कम, लिरिसिस्ट ज्यादा होते हैं कई कई जगहों में, म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ी मतलब गाने वाने का भी लिखते हैं वो, और मूवी के वो भी जो डायलॉग्स वगैरह होते हैं वो भी खुद लिखते हैं, सब अलग अलग क्रिएटिव वर्क है। ये डायलॉग लिखना एक लिटरेरी वर्क में आ जाएगा, गाने कंपोज करना म्यूजिकल वर्क में आ जाएगा, फिल्म बनाना सिनेमाटोग्राफी फिल्म में आ जाएगा, सब अलग अलग है। तो अगर कोई बंदा अपने किसी अलग अलग चीजों के वर्क के रिस्पेक्ट में अपने कॉपीराइट की रजिस्ट्री करवाना चाहता है, तो ये पॉइंट दिया हुआ है, क्या सिंगल एप्लीकेशन से मल्टीपल कॉपीराइट रजिस्टर्ड हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सिंगल एप्लीकेशन से अपने 3-4 कामों की रजिस्ट्री करवा लो, पॉसिबल नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, वो गवर्नमेंट ने अपना फायदा सोचा कि रेवेन्यू नहीं आएगा ना, फीस अलग अलग नहीं आ पाएगी, ऐसे तो करने लग गए तो जहां पहले 5 एप्लीकेशन की फीस आती वहां एक ही एप्लीकेशन की फीस आएगी, तो मना क्या होगा, पर्पस यही है और कुछ पर्पस नहीं है, वरना दिक्कत क्या है, एक ही बंदा है उसके इंसिडेंटल काम है, होने को हो सकता है काम, लेकिन मना क्या हुआ, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ पाएगा ना फिर, इसलिए बस ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर ये था। अब आगे आपको दिया हुआ है असाइनमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट. सबसे पहली बात, असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर. असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर. अच्छा, याद होगा आपको लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया भी था कि किसी चीज में किसी का कॉपीराइट है, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं वैसे मैं, लेकिन यहां सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपीराइट तो कॉपीराइट तक रिस्ट्रिक्टेड रहकर बात कर रहा हूं, लेकिन ये हर जगह लगता है. आप कॉपीराइट से समझो, किसी चीज में किसी का कॉपीराइट है, इसका मतलब ही हैज गॉट द एक्सक्लूसिव राइट टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट दैट प्रॉपर्टी. या तो वो खुद या फिर जिसको वो ऑथोराइज कर दे वो कर सकता है. तो ऑथोराइज करता कैसे, ऑथोराइज करने का मतलब जिसको वो राइट ट्रांसफर कर दे. तो यही तो होता है कि राइट ट्रांसफर कैसे होती है, असाइनमेंट करके. उसका फॉर्मल नाम क्या होता है, असाइनमेंट. कि अगर मैंने अपनी राइट किसी को दे दी है, दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में उसको बोलते हैं असाइनमेंट. ट्रांसफर बोलो तब भी सेम बात है, लेकिन लॉ जनरली जो नाम यूज करता है वो क्या यूज करता है, असाइनमेंट. क्लियर? जैसे मैं अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में पब्लिशर का एग्जांपल दे रहा था कि एक ऑथर है, उसने कोई बुक लिखी है. अच्छा, उसके पास बड़ी सारी राइट्स हैं, लेकिन वो क्या कर देते हैं, जनरली पब्लिशर को अपनी राइट क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं. कौन सी राइट, बुक को प्रिंट करके पब्लिश करके मार्केट में बिकवाना. ये राइट भी ऑथर की है, लेकिन ऑथर ये राइट ज्यादातर, देखा हमने भी करी हुई है पूजा लाउस वालों को, तो ज्यादातर ऑथर ये राइट किसको ट्रांसफर कर देते हैं, पब्लिशर को. तो कैसे करता होगा, असाइनमेंट करके. कि ऑथर, हम बोलते हैं कि ऑथर ने असाइनमेंट की है अपने कॉपीराइट का. अभी तो मैंने कंसेप्ट बताया, अभी इसका प्रोसीजर जानना है हमें कि असाइनमेंट कैसे होता है, क्या करना होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती. क्लियर? एक बात पहले याद रखना, दो चीजें होती हैं, एक होती है असाइनमेंट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ लिया क्या? ठीक है नहीं अभी तक, हाँ आ जाता. एक चीज होती है असाइनमेंट और एक चीज होती है लाइसेंस. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ लेते तो ये अपने आप खुद बोल देते, तभी मैंने कहा कि नहीं पढ़ा अभी तक. एक होती है असाइनमेंट और एक होती है लाइसेंस. वहां पे आएगा ये टॉपिक, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता वहां पे भी मिलेगा आपको. दोनों में फर्क क्या है, पहले तो अब ये देखो कि मैं दोनों चीजें बता क्यों रहा हूं आपको. अच्छा, मैंने अभी अभी फिर लास्ट क्लास में भी बोली थी ये बात और अभी भी बोली कि किसी चीज में किसी का कॉपीराइट है, या तो वो बंदा खुद उस चीज को यूज कर सकता है, या फिर जो जिसको वो ट्रांसफर कर दे, या जिसको वो अधिकार दे दे. तो जिसको, सामने वाले को अगर आपको अपना अधिकार देना है, वो दो तरीके से दिया जा सकता है, ईदर बाय वे ऑफ असाइनमेंट और बाय वे ऑफ लाइसेंस. ये दोनों तरीके से आप अपना अधिकार किसी सामने वाले को दे सकते हो, पहली बात ये. लेकिन दोनों में कुछ फर्क है, असाइनमेंट में कुछ और होता है, लाइसेंस में कुछ और होता है, और बड़े काम की चीज है ये, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी और पेपर के लिए तो है ही. फर्क पूछ लेते कभी कभी असाइनमेंट लाइसेंस का, क्या फर्क होता है. असाइनमेंट में क्या होता है, जो बंदा असाइन करता है उसको बोलते हैं असाइनर, और जिसको होता है उसको असाइनी. लाइसेंस में टर्म यूज नहीं करते, लाइसेंस में टर्म यूज होते हैं लाइसेंसर और लाइसेंसी. लाइसेंसर और लाइसेंसी. अब देखना फर्क क्या होता है. मान लो मेरा किसी चीज के अंदर क्या था, कॉपीराइट था. अब मुझे वो अपना अधिकार किसी और को देना है, भले मैं रॉयल्टी चार्ज करूंगा कि मेरी तरफ चल तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं. अब मेरे को अगर ये अधिकार किसी बी को देना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं असाइनमेंट कर सकता हूं या मैं क्या कर सकता हूं, लाइसेंस. दोनों में फर्क समझना है कि क्या है. अगर मैंने असाइनमेंट कर दिया तो मतलब मैं असाइनर हुआ, और जिसको मैंने मान लो आपको कर दिया तो आप क्या हुए, असाइनी. मैं लाइसेंस बाद में बताता हूं, पहले असाइनमेंट बताता हूं. अगर असाइनमेंट किया जाता है कॉपीराइट का, असाइनमेंट का इंपैक्ट ये होता है, व्हाट एवर द राइट्स व्हिच हैव बीन असाइंड आफ्टर द असाइनमेंट, असाइनर सीजेस टू बी द ऑनर ऑफ दोज राइट्स एंड असाइनी बिकम्स द ऑनर ऑफ दोज राइट्स. और उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए असाइनमेंट हुआ है. नहीं, मैं फिर बताता हूं. अगर मैंने अपना कॉपीराइट आपको असाइन कर दिया, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए भी कर सकता हूं कि 4 साल के लिए तेरा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन 4 सालों के लिए असाइनर सीजेस टू बी द ऑनर. अब मेरी ऑनरशिप बढ़ गई है, और इन 4 सालों के लिए कौन ऑनर बन गया, असाइनी. 4 सालों के वापस हो जाएगा कि असाइनर फिर से आ जाएगा, लेकिन जितने टाइम के लिए असाइनमेंट हुआ है उतने टाइम के लिए असाइनर विल सीज टू बी द ऑनर, एंड हु विल बिकम द न्यू ऑनर, असाइनी. क्लियर? लाइसेंस में क्या होता है, अच्छा ये कह सकते हो असाइनमेंट में राइट्स ट्रांसफर हो रही हैं,
एक चीज, तभी तो मैंने असाइनमेंट का मतलब ये बताया ट्रांसफर. असाइनमेंट में कोई राइट ट्रांसफर हो रही होती है, ट्रांसफर का मतलब मेरे यहां से हटके वो तेरे पास पहुंच गई है, ये मतलब हुआ. लाइसेंस बड़े ध्यान से समझना, लाइसेंस का, अच्छा लाइसेंस का जनरल मतलब क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस, ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस, लाइसेंस का मतलब क्या होता है? परमिशन, कि आपको एक राइट मिली है बस, आपको कोई चीज ट्रांसफर नहीं की गई है, आपको कोई चीज का लाइसेंस दिया गया है. लाइसेंस, अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस, परमिशन टू ड्राइव व्हीकल थ्रू आउट इंडिया या थ्रू आउट द स्टेट, ऐसे हो तो लाइसेंस का मतलब होता है परमिशन. इंडस्ट्रियल लाइसेंस, लाइसेंस टू सेटअप एन इंडस्ट्री, वो परमिशन टू सेटअप एन इंडस्ट्री. तो लाइसेंस का मतलब परमिशन. अब ध्यान से समझना, वैसे आपको अगर थोड़ा बहुत दिमाग अगर आपने लगाया होगा तो समझ आ भी गया होगा. मान लो अब मेरी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी कॉपीराइट की फॉर्म में, मैं लाइसेंस, मैंने वो अधिकार किसी बी को देना चाहा, बी आप थे, तो मैं लाइसेंसर, आप लाइसेंसी. अच्छा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड परमिशन. अगर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज ट्रांसफर करी है मैंने आपको, तो मतलब अब वो मैं उसका हकदार नहीं हूं, अब मैंने वो चीज ट्रांसफर कर दी है तो मेरी राइट खत्म, और अब किसकी आ गई है? आपकी आ गई. लेकिन अगर मैंने, अच्छा किसी ने किसी को परमिशन दी है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, किसी ने किसी, जैसे किसी का मान लो कोई नेबर थे दो, और उनमें क्या था कि जैसे कोई ए और बी, ये दो कुछ भी मान लो दो पड़ोसी थे, तो उनमें एक की जो थी ना वो पार्किंग स्पेस उसके पास अवेलेबल थी, उसको गाड़ी वाड़ी रखता था, और पार्किंग में जगह भी बचती थी उसकी, मतलब उसकी खुद की एक गाड़ी थी और बाकी दो तीन टू व्हीलर थे, ले और उसके बाद भी उसकी पार्किंग में थोड़ी स्पेस बची हुई है. उसका नेबर जो था उसके पास वो पार्किंग स्पेस नहीं है, उस बेचारे के पास गाड़ी भी है. अब वो कह रहे, क्योंकि गाड़ी है तो बेचारा क्यों हुआ, तो उसका गाड़ी भी है, अब वो कह रहे कि मैं पार्क कहाँ करा करूँ, मेरे को जगह नहीं मिलती, बाहर रोड पे ट्रैफिक है, कोई तोड़ ताड़ के ले जाएगा. तो उसने अपने पड़ोसी के काम आएंगे, तो एक और रिक्वेस्ट करी कि आप क्या करो, आपके पास जगह भी है देखो, तो मेरी गाड़ी को, मेरे को परमिशन दे दो कि मैं अपनी गाड़ी आपके यहाँ भी पार्क कर सकूँ. समझ आ रहे? अगर ए ऐसा कर देते हैं, हम ये एक्चुअल में एग्जाम्पल दो, ये सच में यही हो, इसको बोलते हैं कि ए हैज ग्रांटेड अ लाइसेंस टू बी, कि ए ने उसको लाइसेंस दे दिया, उसको परमिशन दे दिया कि हाँ तू भी मेरी जगह, मेरी मेरी पार्किंग में क्या कर सकता है, अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है. अच्छा अगर मैं ये बोलूँ कि ए, मैं ये बोलूंगा क्या कि ए ने अपनी पार्क करने की राइट ट्रांसफर कर दी है, ये बोलूंगा क्या? इस अगर मैं ये बोल रहा हूँ ट्रांसफर कर दी है, इसका मतलब तो ए खुद अपनी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर पाएगा और बी करेगा, ये मतलब हुआ. लेकिन उसने ट्रांसफर करके परमिशन दिया, सिर्फ परमिशन दिया. मतलब कोई चीज अगर लाइसेंस बेसिस पे दी जाती है, इसका मतलब होता है कि जिसने लाइसेंस पे दी है वो भी उसको यूज कर सकता है, और जिसको लाइसेंस पे मिली है वो भी यूज कर सकता है, दोनों यूज कर सकते हैं, लाइसेंसर एज वेल एज लाइसेंसी. लेकिन अगर कोई चीज असाइनमेंट पे दी गई है उसको कौन यूज कर सकता है? सिर्फ असाइनी, नॉट असाइनर. फर्क समझ आ रहा है? अब मैं से कोई कौन 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 पीजी में रह रहा है, यहाँ पे कोई है जो पीजी में रह रहा है? तो जो भी लोग पीजी में रह रहे होते हैं उनको वो प्रॉपर्टी लाइसेंस बेसिस पे मिली जाती है. देखना आपके साथ कोई एग्रीमेंट अग्रीमेंट नहीं किया होगा उन्होंने, आपके लैंड लॉर्ड या लैंड लेडी है, कोई एग्रीमेंट नहीं करता, क्योंकि और वो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो लाइसेंस बेसिस पे आपको प्रॉपर्टी दी जाती है. अच्छा किराए पे प्रॉपर्टी देना और पीजी के, पीजी में प्रॉपर्टी देना किसी को रहने के, दोनों में फर्क है. किराए में जो प्रॉपर्टी देते हैं, आपने अभी तभी मैंने पूछा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वहाँ पे सर बताएंगे आपको जब पढ़ोगे सेकंड मॉड्यूल में. वैसे वो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी जाती है, किराए पे दे जाने को यहाँ कवर करते हैं असाइनमेंट, कि आपने वो राइट टू इंजॉय ट्रांसफर कर दी है. मतलब अगर लैंडलॉर्ड ने अपनी घर, जैसे मान लो उसके पास दो फ्लोर थे, उसने एक फ्लोर किराए पे दे दिया आगे, तो हम बोलते हैं वो ट्रांसफर हुआ है, राइट टू एंजॉय ट्रांसफर, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, लेकिन पोजेशन जो है अब वो उसके पास है. तभी जो मकान मालिक है वो डे टू डे मैटर्स में बीच में घुसा नहीं करेगा घर में, लेकिन पीजी में कर सकता है, क्योंकि पीजी में उसने लाइसेंस बेसिस पर अपनी प्रॉपर्टी दी है, और लाइसेंस बेसिस पर देने का मतलब वो लाइसेंसर हुआ जो आपका लैंडलॉर्ड लेडी है, और आप लाइसेंसी हो, मतलब वो खुद भी यूज कर सकता है और आपको भी अधिकार दे दे कि चल छोटी सी जगह बचे तू भी रह ले हमारे साथ, इस तरीके से समझे. तो तभी देखना, और क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, लीज जो है ना वो बहुत, अभी तो आपने पढ़ा नहीं है लेकिन बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है. किराए पे प्रॉपर्टी चढ़ाना मतलब किराएदारों को निकालना आसान नहीं होता आज की डेट में. आपने सुना भी होगा कि कई कई बार तो किराएदार कब्जा करके बैठ जाते हैं प्रॉपर्टी पे, बहुत बार सुना होगा. तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सारा पढ़ना ही आपने ही है, क्योंकि हिंदुस्तान का लॉ इस तरीके से बनाया हुआ है कि किराएदारों को प्रोटेक्शन मिलती है बहुत अनड्यू, और मकान मालिक को कुछ नहीं मिलती. इसलिए मकान मालिक डरते हैं, वो कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी किराए पे नहीं देंगे, हम क्या करते हैं पीजी बिठा लेते हैं, क्योंकि पीजी वाला को हम लाइसेंस पे देंगे, उनके साथ कोई एग्रीमेंट तो हमने, आपके साथ देख लो कोई एग्रीमेंट नहीं किया होगा उन्होंने कि हमने एग्रीमेंट तो करना नहीं है, और हमने वो प्रॉपर्टी लाइसेंस बेसिस पे दी है. लाइसेंस जनरली आसानी से हटाया जा सकता है, क्योंकि परमिशन ही दी थी मैंने, मैं अपनी परमिशन वापस ले रहा हूँ, सिंपल. तो इसलिए वो चलो छोड़ो, मतलब समझ आ गया. तो एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे को अगर आपने यूज करने का अधिकार देना है, देयर कैन बी टू मॉडल्स फॉर इट. One is assignment, another is license.
ठीक है, तो लाइसेंस आगे आएगा तो मैं फिर पढ़ाऊंगा भी, अभी हम असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। अब वापस आ जाओ, असाइनमेंट में क्या होगा? अच्छा, इसका एक और एग्जांपल दो, अगर दिल्ली मेट्रो डीएमआर से, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करे, डीएमआर से लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, आपको अगर पता भी हो कि दिल्ली मेट्रो में जो टेक्नोलॉजी है वो खुद है हमारी, हिंदुस्तान की थोड़ी है, वो जापानीज की दी हुई है, ये जापान की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं मेजरली, और भी कंपनी और भी कंट्रीज ही करते हैं, बट मेजरली हम जापानीज टेक्नोलॉजी इज द प्राइम टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन सक्सेस ऑफ दिल्ली मेट्रो। अच्छा, टेक्नोलॉजीज वगैरह ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है? होती है। कौन सी? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। पेटेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इंटेलेक्चुअल जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर पेटेंट मिलता है, तो वो जापानीज कंपनी, मान लो कोई जापानीज कंपनी है, उसका अपनी टेक्नोलॉजी में पेटेंट है लेकिन उसने वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज करने का अधिकार इंडियन गवर्नमेंट को भी दिया थ्रू डीएमआरसी। अच्छा, उसने लाइसेंस किया होगा कि ट्रांसफर किया, असाइनमेंट किया होगा उसने? मतलब वैसे तो कुछ भी कर सकती है लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए? लाइसेंस, असाइनमेंट थोड़ी। क्यों? अच्छा, उस अगर सोचे देखो, कोई जापानीज कंपनी ये कहेगी कि इंडियन कंपनी को या डीएमआरसी को, चलो ऐसा करते हैं, हमने इतनी मेहनत से टेक्नोलॉजी बनाई है, आप यूज करो, ये हम खुद नहीं यूज करा करेंगे, अब दिल्ली मेट्रो को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करवाना आप। मतलब अब वो कहेंगे हम पागल बैठे हैं कि हमने इतनी टेक्नोलॉजी सदियों में बना के अपना पेटेंट लिया, डेवलप करी, और हम खुद नहीं यूज करेंगे, आपको दे देंगे पूरी टेक्नोलॉजी, और एक आपकी जो राजधानी है दिल्ली उसको डेवलप करने में आपके काम आएगी। ऑब्वियसली लाइसेंस बेसिस पे दी जाती है और बदले में अच्छी खासी रॉयल्टी चार्ज करते हैं। तो मतलब वो टेक्नोलॉजी जापानीज कंपनी भी यूज कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट भी यूज कर रही है थ्रू डीएमआरसी, तो लाइसेंस बेसिस पे एक्वायर्ड है। समझ आ गया? ये बहुत यूज होता है असाइनमेंट लाइसेंस डेली लाइफ में, आप देखोगे पूरी हमारी कंट्री इसी बेसिस पे चल रही है, असाइनमेंट लाइसेंस, कोई चीज हमने असाइनमेंट बेसिस पे ली हुई है, कोई चीज हमने लाइसेंस बेसिस पे ली हुई है। एनीवे, अब असाइनमेंट पढ़ते हैं कि किस तरीके से असाइनमेंट होता है और जो असाइनमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? असाइनर। और जिसको असाइनमेंट हुआ जाता है उसको बोलते हैं असाइनी। और अच्छा, ये तो हम वो राइट ट्रांसफर होगी ना, यहाँ पे असाइनमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक। हम बोलते हैं जो असाइनमेंट होता है, असाइनर कैन असाइन हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और हम भी ये वैसे हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सेट में होता है, यहां मैं कॉपीराइट की बात कर रहा हूँ, वैसे हर एक के अंदर आएगा ये कंसेप्ट, मैं पढ़ाऊंगा, अभी कॉपीराइट तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो जिस कॉपीराइट का आप असाइनमेंट कर रहे हो टू द असाइनी, वो आपका एग्जिस्टिंग वर्क भी हो सकता है, वो आपका फ्यूचर वर्क भी हो सकता है। इट कैन ईदर बी योर एग्जिस्टिंग वर्क, इट कैन ऑल्सो बी योर फ्यूचर वर्क। अब फर्क क्या है इसमें? एग्जिस्टिंग वर्क मतलब कि वो काम पहले से पिक्चर में है, फ्यूचर वर्क मतलब अभी तक वो काम पिक्चर में आया नहीं है, अभी आप उस काम में लगे पड़े हो लेकिन आपने पहले ही वो अपनी रेडिया कर दी है, असाइन कर दिया। हो सकता है ऐसा, जैसे मान लो कोई ऑथर है वो बुक लिख रहे हैं या कोई नॉवल लिख रहे हैं, अगर वो नॉवल पिक्चर में आ चुके हैं और उसके पूरा तैयार है, सब कुछ हो चुके हैं, और उसके तैयार होने के बाद वो क्या कर रहा है, उसका वो किसी पब्लिशर को उसकी राइट्स ट्रांसफर कर रहा है, तो वो तो एग्जिस्टिंग वर्क के रिस्पेक्ट में कर रहा है, लेकिन अभी वो नॉवल पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है, 30-40% काम ही हुआ उसके ऊपर, लेकिन उसने पहले से अपना मन बनाया हुआ है कि मैं इस पब्लिशर को राइट दूंगा, तो उसने पहले कर दिया, इसमें सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि फ्यूचर वर्क के रिस्पेक्ट में अपना असाइनमेंट ट्रांसफर करोगे ना, तो जो पब्लिशर होते हैं वो खरीद लेते हैं, वो कहते हैं हमें सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अभी पक्का नहीं पता कि चलेगा कि नहीं चलेगा, वो वजह होती है। तो मतलब लेकिन दोनों अलाउड है, आप एग्जिस्टिंग वर्क का भी असाइनमेंट कर सकते हो, आप फ्यूचर वर्क का भी असाइनमेंट। अच्छा, कई बार सुनते नहीं हो, कोई मूवी है अभी उसकी मतलब वो बनी भी नहीं है लेकिन उससे पहले उसकी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बिक जाती हैं, या आमिर खान की मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को हटा दो तो उससे पहले आमिर खान की जितनी भी मूवीज होती थी सब में ऐसे ही होता था कि पता लगता था ना सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि आमिर खान की मूवी आ रही है तो पहले ही खरीद लेते थे, क्योंकि वो महंगे रेट पे उनको देने को तैयार थे, क्योंकि पता है कि आमिर खान की चलनी है। लेकिन अब इन तीनों का, आमिर, सलमान, शाहरुख, इनका वो आता पता कुछ नहीं है, बस सबकी फ्लॉप जा रही है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, अब नए नए अब युवा पीढ़ी का टाइम आ गया, अब इन बेचारे बड़े बड़े हो गए। चलो सो भी आ किसी को पसंद पसंद तो खुंदा खा जाए, तो मुझे खुद में खुद मेरे को शाहरुख खान बहुत पसंद है तो, लेकिन भाई अब है, लेकिन तो अब टाइम खत्म तो खत्म, मतलब तीनों में से मेरा फेवरेट तो शाहरुख खान है, लेकिन अब जो है अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया, अब यू कैन नॉट सी शाहरुख खान एज अ मेन हीरो, अब वो टाइम ही नहीं रहा कि अब ऐसे देखो ना, ऐसे रोल्स में अब अक्षय कुमार सही रोल करता है, क्योंकि वो उसको पता है कि भैया मैं हीरो वाले किरदार नहीं निभा सकता, अब मैं कैरेक्टर रोल्स करूंगा कि भैया कोई मैं कोई पर्सनैलिटी बन जाऊंगा या मैं कोई रोल कर दिया, वो ज्यादा सूट भी करता है,
लेकिन वो शाहरुख सर ना अभी भी मतलब वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह बन के बैठोगे, अब कोई ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं करेगी आपको, क्योंकि अब आपका लुक चेंज हो गया, आप कहाँ, चलो छोड़ दो, पहले इसको खत्म कर दें। अच्छा, तो आपका जो असाइनमेंट है वो एग्जिस्टिंग वर्क में भी हो सकता है और फ्यूचर वर्क में भी। यू कैन ईदर असाइन ऑल योर राइट्स और यू कैन ईदर असाइन सम ऑफ द राइट्स, ये भी पॉसिबल है। आप असाइनमेंट सारे अधिकार का कर सकते हो या फिर कुछ कुछ अधिकार का, दोनों पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये तो समझ आ भी गया होगा, जैसे ऑथर है उसने पब्लिशर को अपनी राइट ट्रांसफर करी भी है। अच्छा, पब्लिशर को कौन सी राइट ट्रांसफर होती है? बुक को पब्लिश करके प्रिंट करके मार्केट में बिकवाना, तो सिर्फ एक ही राइट ट्रांसफर करी है, बाकी सारी थोड़ी ट्रांसफर करी है। अच्छा, बुक को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, बुक के नए एडिशन लाना, बुक की स्टोरी के बेसिस पे मूवी बनाना, ये भी तो ऑथर की राइट्स है। क्या उसने ये भी ट्रांसफर कर दी? नो, उसने सिर्फ पब्लिश करके मार्केट में बिकवाने की राइट ट्रांसफर करी है। तो चाहे तो सारी कर दे, यू कैन ईदर असाइन ऑल योर राइट्स, यू कैन ईदर असाइन सम ऑफ योर राइट्स। ठीक है, आप जो असाइनमेंट कर रहे हो वो कंडीशनली भी कर सकते हो और अनकंडीशनली भी कर सकते हो। ये भी समझ आ गया होगा, कंडीशनली मतलब सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कि आप इस तरीके से यूज करोगे मेरा कॉपीराइट, या फिर आप इस तरीके से मतलब यहां नहीं करोगे, ऐसे करोगे, इसी एरिया में यूज करोगे, ऐसे करोगे, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो आपकी मर्जी है। कोई कंडीशन नहीं लगा रहा तो अनकंडीशनली, कंडीशन लगा रहे हैं तो कंडीशनली। और लास्ट, आप असाइनमेंट कर सकते हो सदा के लिए, फॉर एवर और फॉर अ सर्टेन पीरियड, आपकी मर्जी है। यू कैन ईदर असाइन फॉर एवर और फॉर अ सर्टेन पीरियड, दैट इज योर चॉइस। अच्छा, फॉर एवर का मतलब यहां गलत मत लगा लेना, फॉर एवर का मतलब सदा के लिए नहीं, फॉर एवर का मतलब ऑब्वियसली सदा के लिए हुआ, लेकिन उतने टाइम के लिए जितने पास उसका खुद अधिकार है। समझ आ रहा है? मतलब उसका खुद अधिकार, अभी मैंने टर्म पढ़ी लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स, वो कह देगा मैं लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, ऑथर मतलब मेरी लाइफ टाइम प्लस तेरे को 25 मतलब 250 साल के लिए और दे रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली उसकी खुद की जितनी टर्म है उतने टाइम के लिए वो दे सकता है, तो फॉर एवर में उतनी टर्म आएगी। हाँ, वो खुद अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, नो डाउट। और सर्टेन पीरियड मतलब 2 साल के लिए दे दिया, 3 साल के लिए दे दिया, होता है। अच्छा, इसका भी एग्जांपल देखो, जो आप डेली लाइफ में देखते होगे अपनी लाइफ में, एक ऑथर है, मान लो उसकी बुक आती है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, 3 साल तक आप देखोगे उसका एक बुक के ऊपर किसी एक पब्लिशर का नाम लिखा होता है, थोड़े टाइम बाद पब्लिशर ऑथर सेम है लेकिन पब्लिशर का नाम बदल जाता है। देखा कभी ऐसा? तो ठीक है, नहीं देखा तो मतलब ऐसा होता है, हमारे में भी ऐसा था कि आप 3-4 साल पहले आते तो पूजा लाउस नहीं था, उससे पहले कोई और था, हम ऑथर हम ही थे लेकिन बुक्स पब्लिशर हमारा कोई और था, फिर हम कौन, अब हमारा पब्लिशर कौन है इतने सालों से, पूजा लाउस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने भी तो असाइनमेंट किया था पूजा लाउस वालों को, और पहले जिनको किया था पूजा लाउस से पहले, लेकिन वो सर्टेन टाइम के लिए किया था, हम एक एक साल का एग्रीमेंट रखते हैं, जैसे अभी पूजा लाउस वालों के साथ भी 1-1 ईयर का एग्रीमेंट होता है कि 1 साल के लिए हमने आपको, जो एक्चुअल एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, हम भी उनको असाइनमेंट करते हैं तो सर्टेन पीरियड के लिए करते हैं। ये सर्टेन पीरियड कितना होता है? 1 साल, और 1 साल के बाद हम चेक करते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, और फिर उसको रिन्यू करते हैं कि हम फिर से रिन्यू करें या ना करें। तो आप चाहो तो हमेशा के लिए कर दो कि नहीं मुझे बड़ा पसंद है ये, मैं हमेशा के लिए कर रहा हूँ, या फिर आप चाहो तो सर्टेन पीरियड के लिए कर सकते हो, जो दिल्ली मेट्रो ने भी वो लाइसेंस में भी होता है कि लाइसेंस भी हमेशा के लिए कर सकते हो या सर्टेन पीरियड के लिए। तो दिल्ली मेट्रो ने भी जो है 5-5 सालों के लिए बेसिस पे वो क्या होती रहती है, रिन्यू होती रहती है, जैपनीज टेक्नोलॉजी। चलो, तो इस तरीके से आप असाइनमेंट कर सकते हो। और एक और बात बोलते हैं, इधर ही लिख देता हूँ, असाइनमेंट अगर आपने करना है, ऑल्दो आपके पास चॉइस है कि आप ओरली भी कर सकते हो या राइटिंग में भी कर सकते हो, बट अनडाउटेडली एडवाइजेबल क्या होगा, लिखित में भाई, राइटिंग में करो। आपको इतनी बड़ी चीज आप ट्रांसफर कर रहे हो और इतना आपने दिमाग लगाया उसके ऊपर, इतनी मेहनत करी है, ओरली कर दोगे? हम अपनी बुक्स भी, बुक्स के रिसेप्ट भी असाइनमेंट करते हैं, ऑब्वियसली पूरा एक फुल फ्लेज एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें हम केडीएस एंटर करते हैं, हम एंटर करते हैं कि हमारा, हम ऑथर हैं, तो ऑब्वियसली एक राइटिंग में एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप इतनी अपने अपनी इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ आप अपनी ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, मिसयूज हो सकता है, कल को मुकरी जाए, तो अब राइटिंग में होना ठीक है। लेकिन हाँ, लॉ ने दोनों ऑप्शन दिए, इट कैन ईदर बी ओरल और राइटिंग, लेकिन एडवाइजेबल क्या, अनडाउटेडली राइटिंग। और जब आप राइटिंग में असाइनमेंट करोगे तो एक एग्रीमेंट बनेगा, उस एग्रीमेंट का नाम होता है असाइनमेंट डीड। उस एग्रीमेंट का नाम होता है असाइनमेंट डीड।
अच्छा जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं सेल डीड, किराए पे देते हैं लीज डीड, अगर आप असाइनमेंट करते हो उसको बोलते हैं असाइनमेंट डीड, और जब आप फाइनल में हो गए ना इन सब चीज़ों की ड्राफ्टिंग आती है कि ये डीड बना के दिखाओ, मैं ही पढ़ाता हूँ पेपर ड्राफ्टिंग का, तो उसमें ना ये सारी इतने उसमें कम से कम आपको 60-70-100 डीड पढ़नी पड़ती है एक पेपर में कि सबकी डीड, ये तो अभी आप पढ़ रहे हो कि असाइनमेंट डीड बनती है, लाइसेंस डीड बनती है, सेल, वहाँ पे इनकी ड्राफ्टिंग आती है क्योंकि आपसे लीगल, वही तभी तो सर आपको बोलते रहते हैं कि लीगल लैंग्वेज के ऊपर कमांड अपनी जितनी अच्छी बिठाओगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको लीगल लैंग्वेज लिखनी होती है पूरी कि एग्रीमेंट्स किस लैंग्वेज में ड्राफ्ट होते हैं, क्योंकि आपका काम है ये कंपनी के अंदर जाके एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करने होंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना होगा, मिनट्स ड्राफ्ट करने होंगे, कंपनी के व्यापार पे एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, तो आपको आता है तो हो पहले, तो ये एग्रीमेंट्स वगैरह भी ड्राफ्ट होते हैं, तो ये 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अभी ड्राफ्टिंग का पेपर होता है, बच्चे बता यही क्वेश्चन आया था कि ड्राफ्ट एंड असाइनमेंट डीड कि कॉपीराइट वो पेटेंट की आई थी कि किसी बंदे का किसी चीज में पेटेंट है और वो ट्रांसफर कर रहा है, तो एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आप ये ड्राफ्ट करके बताओ डीड कैसे ड्राफ्ट करोगे, वो बड़ा अच्छा पेपर है, मतलब बहुत, मतलब मेरा पर्सनली इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन पर्सनली मेरा बड़ा, मैं और भी पढ़ाता हूँ, लेकिन पर्सनली बहुत अच्छा पेपर है ड्राफ्टिंग का, या और सबसे मेरे क्योंकि काम का पेपर है सीधा सबसे, मैं कंपनी लॉ से भी ज्यादा काम का पेपर ड्राफ्टिंग है, क्योंकि कंपनी लॉ का काम भी आपको बाद में थोड़ा टाइम मिलेगा, ड्राफ्टिंग तो पहले दिन से शुरू हो जाएगी, चल भाई ये ड्राफ्ट कर, चल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर, चल नोटिस ड्राफ्ट कर, ये ड्राफ्ट कर, तो वो ड्राफ्टिंग आपको ज्यादा आनी चाहिए और पहले दिन से आप काम आने वाला पेपर है और अच्छा पेपर है टेक्निकली। चलो एनीवे, तो असाइनमेंट डीड बनेगी अगर राइटिंग में कर रहे हो, अब ध्यान से सुनना जो बात बोल रहा हूं, मतलब अभी तक वाली भी ध्यान से सुननी थी, अब वाली थोड़े ज्यादा ध्यान से। असाइनमेंट डीड में जो लिखा, जैसे मान लो ये एग्रीमेंट बन रहा है असाइनर और असाइनी के बीच में, क्या लिखा होगा इसके अंदर, मतलब ये यहाँ नीचे असाइनर असाइनी के साइन होंगे है ना, कि दोनों ऊपर टर्म्स में सारी टर्म्स लिखी होंगी कि क्या ये, अच्छा रॉयल्टी की बात भी वहां लिखी होगी कि कितने, अच्छा तो कितने टाइम के लिए असाइनमेंट किया जा रहा है और असाइनर कौन है, असाइनी कौन है, इस डॉक्यूमेंट में विटनेस कौन है, रॉयल्टी कितनी ले रहा है असाइनर, ये सारी बातें इसी एग्रीमेंट में लिखी होंगी। ठीक, अब एक हम बात बोलते हैं, इफ लेट्स से ड्यूरेशन ऑफ असाइनमेंट, ड्यूरेशन ऑफ असाइनमेंट मतलब कितने टाइम के लिए आपने असाइनमेंट किया है, मान लो आपने कोई टर्म लिखी हुई है कि हाँ जैसे हम, मैंने बताया हम एक एक साल के लिए करते हैं, तो अगर आपने कोई टर्म लिखी है फिर तो असाइनमेंट उतने ही टर्म के लिए हुआ है, क्लियर है। मान लो आपने जो असाइनमेंट डीड है उसके अंदर कोई टर्म लिखी नहीं है, इट इज योर डीड इज साइलेंट ऑन इट, जैसे बोलते नहीं पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आस्पेक्ट पे साइलेंट है, तो इक्वली शेयर कर देते हैं प्रॉफिट और लॉसेस, लेकिन लिखते हैं जनरली। इसी तरीके से अगर असाइनमेंट डीड आपकी साइलेंट है किस आस्पेक्ट पे, रिगार्डिंग द ड्यूरेशन आस्पेक्ट, तो कुछ तो मानना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए असाइनमेंट हुआ है, तो लॉ ने अपने आप रिज्यूम करा हुआ है, हम मान लेते हैं 5 ईयर्स, 5 साल अगर, लेकिन ये कब लगाने, जब कुछ भी अगर लिखा हो तब मत 5 मान लेना, किसी ने एक लिखा तो एक ही चलेगा, किसी ने 10 लिखे तो 10 ही चलेगा, अगर किसी ने कुछ नहीं लिखा तो अपने आप क्या मान लेते हैं कि 5 साल के लिए असाइनमेंट किया गया, ये प्रिजम्पशन ले लेते अपने आप से कानून। तो ये बात, और क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, अगर मान लो, अच्छा इसका क्या मतलब, टेरिटोरियल एक्सटेंट, टेरिटोरियल एक्सटेंट, नहीं 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 वो नहीं, यहाँ पे वो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे जैसे मैंने भी बताया मूवी से एग्जांपल दिया था कि अच्छा जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ट्रांसफर कर देते हैं, असाइनमेंट करते हैं, टेरिटरी वाइज करते हैं कि इस टेरिटरी के ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सुना भी होगा नॉर्थ के अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, साउथ के अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो टेरिटरी वाइज आप एक्सटेंड अपनी राइट्स ट्रांसफर कर सकते हो, पॉसिबल है, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे हम अपनी बुक्स बेचना चाहते हैं, हमने कहती है भाई इस एरिया के लिए हमारा ये पब्लिशर, हम इसको राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, उस एरिया के लिए हम इस पब्लिशर को राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, कर सकते हो क्योंकि वहाँ उसका नाम फेमस है, दिल्ली में इसका नाम फेमस है, पंजाब में उसका नाम फेमस है, अलग अलग कर सकते हैं। तो मतलब आपको लेकिन लिखना पड़ेगा ना अपनी डीड के अंदर कि अगर हम अपनी चीज़ का असाइनमेंट इसको कर रहे हैं तो कितनी कौन सी टेरिटरी के लिए कर रहे हैं, इतने एरिया के लिए, उतने इस स्टेट के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस सिटी के लिए, कितने के लिए, अगर आप जो लिख रहे हो तो उतना ही चलेगा, अगर नहीं लिख रहे कुछ तो इट इज प्रिज्यूम टू बी होल ऑफ इंडिया। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो अपने आप क्या माने, हम मान लेते हैं कि पूरी इंडिया में उसके पास वो राइट्स आ गई, लेकिन ये कब है, जब व्हेन योर डीड इज साइलेंट ऑन दिस एस्पेक्ट, इफ योर डीड इज नॉट साइलेंट और वो कुछ कह रही है फिर तो वही चलेगा जो वो कह रही है,
लेकिन अगर इट इज साइलेंट देन हम ये मान लेते हैं 5 साल और होल ऑफ इंडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है, मान लो असाइनर ने असाइनी को असाइनमेंट किया, असाइनर ने असाइनी को असाइनमेंट किया अपने कॉपीराइट का, और लेट्स से असाइनी ने वो कॉपीराइट जो है 1 साल हो गया असाइनमेंट किए हुए, बट असाइनी हैज फेल टू एक्सरसाइज द राइट्स पर्सन टू द असाइनमेंट। अच्छा राइट आई होगी उसके पास पब्लिश कर, जो भी राइट ट्रांसफर करिए वो राइट आई होगी, लेकिन असाइनी अगर 1 साल हो गया असाइनमेंट किए हुए लेकिन 1 साल में वो राइट्स यूज ही नहीं करी उसने अभी तक, हम बोलते हैं लॉ अपने आप से प्रिज्यूम कर लेते हैं असाइनमेंट विल गेट लैप्स्ड, असाइनमेंट लैप्स हो जाएगा। लैप्स होने का मतलब फिर से असाइनर के पास आ जाएगा, मतलब अब असाइनी विल सीज टू बी द ओनर एंड असाइनर असाइनमेंट विल कम बैक टू द असाइनर ओनली, क्लियर। लेकिन हम ये ऐसा, चलो पहले इतने तक आप पहले इसको समझा सकते, ऐसा क्यों है, मतलब ये तो बस कंसेप्ट है, आप बताओ ऐसा क्यों है और ऐसा क्या सोच के लॉ ने किया होगा। फिर से बताता हूँ कि अगर असाइनर ने कोई चीज़ असाइन करी असाइनी को, 1 साल से ऊपर 1 साल हो गया और 1 साल तक असाइनी ने वो चीज़ यूज़ ही नहीं करी, असाइनर ने अपना ट्रांसफर करी है राइट लेकिन असाइनी उसको यूज ही नहीं कर रहा, और हम तो ऐसे ही बोलते हैं अगर 1 साल से ऊपर बीत गया तो असाइनमेंट विल सी असाइनमेंट विल लैप्स, मतलब असाइनर विल असाइनी विल सीज टू बी द ओनर एंड असाइनर विल अगेन बिकम बैक द ओनर। क्यों वैसा आंसर मैंने लास्ट क्लास में दिया था, उसको आप कह रहे हैं लिंक करके दोगे तो आराम से मिल जाएगा, बताओ इतना टाइम नहीं है अभी, दो एक और क्लास लेनी है भाई, चलो छोड़ो मैं बताता हूँ। अच्छा मैंने आपको लास्ट क्लास में जान पूछ के बाद बीच में रोक के मुझे याद है मैंने बताई थी कि, और आज भी रिपीट करी थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब भी पिक्चर में आती है उससे क्या होता है सोसाइटी का फायदा होता है, सोसाइटी के फायदे मतलब मेजर जो बेनिफिट होता है वो सोसाइटी को भी बेनिफिट हो रहा होता है। अब सोच के देखो अगर असाइनर ने अपनी कोई राइट्स असाइनी को ट्रांसफर कर दी, इसका मतलब असाइनर खुद वो यूज़ नहीं कर सकता, असाइनर खुद यूज कर नहीं सकता, असाइनी कर नहीं रहा, तो अल्टीमेटली द सोसाइटी इज गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट, अल्टीमेटली समाज का नुकसान हो रहा है कि कोई अच्छी चीज़ जो पिक्चर में आ सकती थी वो नहीं आ पा रही, क्यों, और असाइनी की वजह से, कि और असाइनर की गलती नहीं है, असाइनर ने तो अपनी राइट्स ट्रांसफर कर दी बट बिकॉज ऑफ द एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द असाइनमेंट असाइनर इज नॉट बीइंग एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर राइट, क्योंकि उसने असाइनमेंट कर दिया, असाइनी कर सकता लेकिन कर नहीं रहा, तो इसलिए क्या हो जाता है, और इसके इन दोनों की वजह से हो क्या रहा है, अल्टीमेटली द सोसाइटी इज गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट विच वुड हैव कम, तो इसलिए हम बोलते हैं असाइनर के असाइनमेंट क्या हो जाते हैं अपने आप लैप्स हो जाते हैं, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अब देखो ये प्रोविजन समझना बहुत आसान है कि ये हो गया ऐसे हो गया, पेपर में आपसे लॉजिक नहीं पूछेंगे, बट ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए, और अगर आपको ये अपने पता लग जाएंगे, अगर आपको ओवरऑल कंसेप्ट पता हो ना कि क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों आई है पिक्चर में, आप अपने आप से अंदर अंदर की बातें अपने आप लगाने लग जाओगे कि अच्छा ये इसलिए हुआ है ये उसलिए हुआ है, तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप सारे प्रोविजन याद हो जाएंगे, क्लियर। अच्छा इसमें इस और इफ सेंटेंस ऐड करते हैं, मतलब मैं अपने आप नहीं ऐड करता भाई, वो हमारे सिलेबस का पार्ट होते हैं क्योंकि लॉ है ये, हम सोचो कि अपने आप से कहानियां बना देते हैं कि ये भी कर देते हैं वो तो उसकी डेथ होगी वो एनोनी, हाँ जी असाइनी लाइसेंसर बन सकता है, मतलब असाइनी आगे किसी को ट्रांसफर कर दे, ठीक है समझ गया, हाँ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, खुद बताओ क्या आंसर होना चाहिए, असाइनमेंट डीड, अगर असाइनर ने ही ये राइट्स असाइनी को दे दी है देन इन दैट केस इट इज पॉसिबल, लेकिन अगर असाइनर ने मना किया हुआ है तो नहीं हो सकता, और ज्यादातर केसेस में आपकी नॉलेज के बता रहा हूँ नॉन ट्रांसफरेबल होता है, नॉन स्ट्रिक्टली नॉन ट्रांसफरेबल, आप हमारा मैं दिखा भी दूंगा चाहे हमारा एग्रीमेंट, हमने एग्रीमेंट में ये पॉइंट स्पेसिफिकली डलवाया हुआ है कि दीज राइट्स आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर लिखा हुआ है। अच्छा ये तो पूजा लॉ वालों की बात है, हम फ्रेंचाइजी की बात कर लो, फ्रेंचाइजी में हमने उनको ट्रेडमार्क दिया हुआ है, ये एक्चुअल बात बता रहा हूँ, ये देखो ये ड्राफ्ट ये एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं हम सब ये बात ध्यान रखते हैं, जो आपने पूछी ना ये तो एक पॉइंट है, ऐसे 100 पॉइंट आ रहे होते हैं एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करते टाइम कि यार क्या एग्रीमेंट में लिखे हैं जो हमें डिस्प्यूट ना आए कल को, ये लाइन मुझे भी तक याद है क्योंकि मैंने ही ऐड कर रही थी, क्या था कि जैसे हम अब ये जो फ्रेंचाइजी सेंटर्स पे क्लासेस चलती हैं तो उसमें हमारा ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं, उसमें कॉपीराइट भी हो रहा है, तो बुक यूज़ हो रही है, लेकिन जो वहाँ के बच्चे आके पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो फ्रेंचाइजी सेंटर है किसी भी स्टेट का तो वहाँ हमारा नाम भी यूज़ हो रहा है कि संगीत केडिया अकेडमी। अब देखा जाए तो हमने उसको मैंने बताया लाइसेंस किया हुआ है क्या अपना ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ट्रेडमार्क है वो असाइन नहीं करी, वो लाइसेंस बेसिस पे दी हुई है, लेकिन लाइसेंस बेसिस पे भी हमने एग्रीमेंट बनाया हुआ है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट,
जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं जो ऑनर है फ्रेंचाइजी का वो साइन करता है और हम साइन करते हैं, उस एग्रीमेंट में हमने पहले ये पॉइंट नहीं डलवाया हुआ था। फिर हमने पॉइंट डलवाया कि जैसे मान लो कल को कोई फ्रेंचाइजी है, हमें अब उस टाइम नहीं पता कि कल को उसकी नीयत क्या बिगड़ जाए, लेकिन मान लो कल को ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो हमने किसी पर्टिकुलर फ्रेंचाइज जलंधर सेंटर या कोई भी, मान लो वो सुन रहे होंगे जलंधर सेंटर वाले कि हमारे हमें क्यों बोल रहे भाई, कोई भी सेंटर है तो वो वाला सेंटर वाले ने अगर ऐसे मान लो वो कह रहे हम खुद इंटरेस्टेड नहीं है फ्रेंचाइजी चलाने में, उसने आगे ये वो हमसे परमिशन ले रहे हैं कि हम ये सर फ्रेंचाइजी आगे किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, हम खुद नहीं ले रहे और हम किसी और को दे रहे हैं और बदले में उससे पैसे ले लेंगे। अब देखा जाए तो हमारी रेट्स पे असर आ रहा है, हम कहेंगे भाई हमने तेरे को दी थी वो फ्रेंचाइजी, हमें तू पता है कि तू कैसे है, हमें क्या पता है कि सामने वाला बंदा कैसे है, पता चले वो हमारा नाम कोई राइवल कोई दूसरा वो इंस्टीट्यूट हो वो हमारा नाम मिसयूज करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि बच्चे इकट्ठे कर लेता हो और हमारे बदनाम कर दे कि भाई यहाँ पे तो क्लासे ढंग से चलती भी नहीं है, ये जहाँ पूछे क्लासे चलाई ना, हमें क्या पता उस सेंटर पे क्या हो रहा है, समझ आ रहा है। तो ये दिमाग में डाउट आया हम सबके, तो फिर हमने कहा यार इसको एग्रीमेंट में लिखा तो है नहीं हमने, और अगर कुछ भी नहीं लिखा फ्रेंचाइजी अपने आप क्या लगा लेगा कि हाँ कुछ लिखा, मेरे को मना किया ही नहीं गया तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, है ना सही बात। तो हमने फिर ये एग्रीमेंट में पॉइंट ऐड करवाया था, इसी पे एक लाइन लिखी थी, दिस असाइनमेंट इज नॉन ट्रांसफरेबल ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटी, दिस लाइसेंस इज नॉन ट्रांसफरेबल ऑन द पार्ट ऑफ द लाइसेंसी, एक लाइन ऐड करके काम बन गया हमारा। अब वो नॉन ट्रांसफरेबल है, आप चाहे तो ये भी ऐड कर सकते हो कि इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, हाउएवर इफ एनी पर्टिकुलर लाइसेंसी वॉन्ट्स टू ट्रांसफर इट ही कैन डू इट आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ द लाइसेंस, आपके हाथ में है, मतलब इन चीजों का आंसर लॉ में नहीं दिया हुआ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप अपनी राइट्स को कितना मजबूत कर सकते हो। और यही सब बातें तो ड्राफ्टिंग में सीखनी है, जो ड्राफ्टिंग पेपर फाइनल में है उसमें यही सिखाते हैं कि आप किस तरीके से ड्राफ्टिंग करो कि ताकि कल को डिस्प्यूट्स ना आए, और ड्राफ्टिंग इतनी सॉलिड, अब देखो ड्राफ्टिंग अपने आप लगा लो तब तक सॉलिड नहीं हो सकता, देखो पहले तो ये पॉइंट दिमाग में आना ये बड़ी बात है, और ये पॉइंट दिमाग में आने के लिए पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज वर्किंग नॉलेज कि किस तरीके से क्या क्या डिस्प्यूट अभी जो नहीं आ रहे हो रहे लेकिन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपके दिमाग में ऐसे हजार है हमारे भी दिमाग में एक एक करके आते रहते हैं तो ये डिस्प्यूट आ सकता है, फिर उसको एग्रीमेंट में ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट करने के लिए लैंग्वेज लिखनी है, सब एक साथ आना चाहिए, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज थोड़ी बहुत लीगल लैंग्वेज की नॉलेज हर चीज आपको आनी चाहिए, तभी ड्राफ्टिंग का पेपर आपके लिए काम का बनेगा और तभी आप एक अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बन पाओ, समझ आप तो डाउट क्लियर। चलो अब फिर इस पे वापस आते हैं, हम कह रहे थे कि एक साल के बाद असाइनमेंट विल लैप्स अगर असाइनी ने उसको यूज नहीं किया, इससे एक एक्सेप्शन है, देखो फिर वही बात आ गई, इसकी लॉ में एक्सेप्शन दी हुई वाली, अगर असाइनर और असाइनी ने आपस में कुछ एग्री किया हुआ था कि हाँ मैं 3 साल तक 4 साल तक यूज नहीं करूंगा, इन दैट केस इट विल नॉट बी लैप्स्ड, मतलब अगर डीड साइलेंट थी इस एस्पेक्ट के ऊपर तो एक साल के बाद लैप्स होते हैं, अगर डीड इफ डीड वॉज नॉट साइलेंट, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब असाइनर और असाइनी ने दोनों ने मिलकर आपस में जब असाइनमेंट डीड बनाई थी उसी में उन्होंने एग्री कर लिया था कि हाँ मैं 2 साल बाद तेरा असाइनमेंट यूज करूंगा, इन दैट केस इट विल नॉट बी इनवैलिड, आप हो गए ऐसा क्यों, लॉजिक लगाओ, मान लेते हैं कोई ऑथर है और एक पब्लिशर, वही वाला एग्जाम्पल आपके लिए जो फैमिलियर हो इसलिए मैं बार बार वाला एग्जाम्पल यूज करता हूँ, ऑथर ने पब्लिशर को अपनी राइट असाइनमेंट कर दिया, अच्छा मान लेते हैं कोई नया ऑथर है और उसको अभी मतलब ऑथर को तो पता है कि हाँ भैया मैंने अच्छी बुक लिखी है लेकिन मन में डर तो है, कोई ऐसी सीएससीएस की बुक नहीं लिखी, कोई मान लो कोई बड़े उस नॉवल लिख दिया बड़ा अच्छा खासा और उसको पता है मैं फर्स्ट टाइम एक नॉवल लिख रहा है और पहली बार न्यू कमर है, उसको भी डर लग रहा है कि भैया मेरा नॉवल चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से पता है कि मैंने बहुत अच्छा नॉवल लिखा है, अच्छा उससे डर तो पब्लिशर को हो रहा होगा कि पब्लिशर कहेगा भाई तेरे को तो फिर भी ठीक है तूने तो अपने पैसे पैसे ले लिए मेरे से रॉयल्टी की फॉर्म में, मेरे को ज़्यादा डर है कि तेरा नॉवल बिकेगा कि नहीं बिकेगा आगे क्योंकि मेरे को मैंने तो बेच के पैसे कमाने हैं, तो पब्लिशर ने क्या बोला कि सिंस यू आर अ न्यू ऑथर आप अभी नए नए हो मैं क्या करता हूँ आप अभी असाइनमेंट कर दो लेकिन मुझे ना 1.5-2 सालों का टाइम चाहिए फॉर मार्केटिंग पर्पस, मैं 1.5-2 साल सिर्फ मार्केटिंग में लगाऊंगा कि आपकी पब्लिसिटी करूंगा पहले आपका नाम बनाऊंगा मार्केट के अंदर ताकि आपको फेमस करूंगा आपकी होर्डिंग्स लगेंगी एडवर्टीजमेंट होगी आपका नाम आएगा मीडिया में मेरे लिंक्स हैं मैं आपको इंटरव्यू कराया करूंगा फिर जाके मैं आपकी बुक की मार्केटिंग करनी शुरू मतलब पब्लिशिंग वाला काम मैं तब यूज करूंगा सो दैट अब लोगों को पता लगे कि आप कौन हो और अब जाके अगर आपकी बुक पिक्चर में आएगी या नॉवल जो आपने लिखे चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा हो। अच्छा ये ठीक ही बात कह रहे हैं पब्लिशर भी ठीक बोल रहे हैं तो इस केस में पब्लिशर ने पहले से एग्री कर लिया ऑथर के साथ कि मैं 2 साल तक असाइनमेंट यूज नहीं करूंगा इन दैट केस ये और ये प्रोविजन नहीं लगेगा कि लैप्स हो जाएगा इन दैट केस इट विल नॉट गेट लैप्स बिकॉज असाइनर एंड असाइनी हैव म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन देमसेल्व्स कि वो असाइनमेंट लैप्स नहीं हो क्लियर लेकिन अगर कुछ भी एग्री नहीं किया तो 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो लैप्स हो जाए समझ आ गया
तो ये पूरा असाइनमेंट के इतने प्रोविजन थे कि इस तरीके से असाइनमेंट होता है, क्या होता है, और ये इतनी स्टेज तक खत्म, फाइनल में आके इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। चलो आगे आपको दिया एक्सेप्शन टू द इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, बस बाकी को ज्यादा टेक्निकल नहीं है, छोटा सा बात है। एक्सेप्शन टू द इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अच्छा, इंफ्रिंजमेंट पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, क्या मतलब? अगर किसी, बताओ खुद बताओ, इंफ्रिंजमेंट का मतलब क्या बताया था? कि अगर कोई किसी का दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अनऑथराइज तरीके से यूज करता है, इट इज एन ऑफेंस, और उस ऑफेंस का नाम क्या होता है? इंफ्रिंजमेंट। हम बोलते हैं कि अगर किसी ए का किसी चीज में कॉपीराइट था एंड बी ने उसका कॉपीराइट यूज कर लिया इलीगल तरीके से, ए की परमिशन के बिना, हम बोलते हैं बी हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ इंफ्रिंजमेंट। बी ने इंफ्रिंजमेंट करी है, ही हैज इंफ्रिंज्ड हिज राइट्स, ही हैज इंफ्रिंज्ड एज राइट्स। अच्छा, अब टॉपिक क्या है? टॉपिक इंफ्रिंजमेंट नहीं है, टॉपिक है एक्सेप्शन टू द इंफ्रिंजमेंट। क्या मतलब? कि अगर कुछ कुछ चुनिंदा केसेस हैं कि जिन केसेस में कोई एक बंदा अगर दूसरे का कॉपीराइट यूज कर भी रहे, स्टिल इट विल नॉट अमाउंट टू इंफ्रिंजमेंट। ये मतलब हुआ, मतलब वो अगर, मतलब ऐसा तो गलत है कि किसी एक की चीज आप किसी उसकी परमिशन के बिना यूज कर रहे हो, इट इज एन इंफ्रिंजमेंट। और आपको अभी पनिशमेंट भी दी हुई, नीचे पढ़ाऊंगा कि अगर इंफ्रिंजमेंट करते तो क्या होता है, 6 महीने की सजा, 50,000 का फाइन, सब लिखा हुआ है। लेकिन कई कई केसेस ऐसे भी हैं कि आपने बिना उसकी परमिशन के ये काम कर दिया, स्टिल इट विल नॉट अमाउंट टू इंफ्रिंजमेंट। समझ आ गया? तो व्हाट आर दोस केसेस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखो, चाहे लिख भी लो, मतलब लिखियो, मतलब पढ़ भी लो। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूजर्स, सम एग्जेम्पशंस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक यूजेस ऑफ वर्क्स इन जॉइन कॉपीराइट। क्या लिखा? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूजर्स। आप देखना, जितने भी हम केसेस पढ़ेंगे सब में आप खुद भी कहोगे कि हाँ सर, ये तो होना ही चाहिए, कि ये एग्जेम्पशन में कवर्ड होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो अल्टीमेटली फिर से सोसाइटी का लॉस होगा। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए लॉ बनाया है और इससे सोसाइटी का नुकसान होने लग जाए तो फायदा क्या हुआ लॉ बनाने का? तो देखना, जो भी चीजें एग्जेम्पशन में कवर्ड है, ऑल दोस थिंग, आप सारी की सारी चीजों में खुद एग्री करोगे कि हाँ ये होनी ही चाहिए। जैसे सबसे पहला, फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च और प्राइवेट स्टडी। अच्छा, क्या मतलब फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च? जैसे या हमारे तो CS में हमारा ICS ऐसा कुछ नहीं कराता, लेकिन आप कुछ मान लो कोई MBA कर रहा है कोई, तो और जैसे टॉप टॉप कॉलेजेस हैं जो बड़े IIM से कर रहे हैं, मान लो IIM अहमदाबाद, वहाँ पे अच्छा टाइम टू टाइम उनको रिसर्च प्रोजेक्ट मिलते हैं, क्यों MBA कर रहे हैं, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि इस टॉपिक के ऊपर, आपने जो भी फील्ड चुनी है, फाइनेंस चुनी है, HR, मार्केटिंग, आपको उसके ऊपर टाइम टू टाइम अलग अलग क्वार्टरली बेसिस पे प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं रिसर्च करके। अच्छा, एक आपने अगर स्टैटिस्टिक्स का पेपर पढ़ाओ स्कूल लेवल पे, रिसर्च में होता है प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये तो सुना तो होगा। प्राइमरी डेटा मतलब रॉ डेटा, कि जो बिल्कुल एज इट इज डेटा आपने उठा लिया। सेकेंडरी मतलब आपने कोई ऑलरेडी पिक्चर में था, उसकी कॉपीज निकाल ली, कहीं से नेट पे मिल गया, कुछ भी मिल गया, सेकेंडरी डेटा आपने कुछ भी यूज किया, प्राइमरी सेकेंडरी। देखा जाए, आप मान लो कोई किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। अच्छा, रिसर्च करना अल्टीमेटली समाज का फायदा है, रिसर्च करोगे कोई नई चीज, कॉलेज वॉलेज का पॉइंट ऑफ समझोगे, वहां कोई फायदा नहीं, वहां तो बच्चे कॉपी पेस्ट करके करते हैं। लेकिन वैसे कोई साइंटिस्ट कोई चीज रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने में ऑब्वियसली यू नीड टू ऑब्टेन द डेटा फ्रॉम समवन एल्स, आपको लेना पड़ेगा, आपको नेट की इन्फॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी, आपको प्राइमरी डेटा भी यूज करना पड़ेगा, सेकेंडरी डेटा भी। तो देखा जाए, समाज का फायदा है रिसर्च होती है, तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वही रिसर्च करके तो नई नई दवाइयाँ बनती हैं। अब अगर लेकिन हम ये रिजिडिटी लगा दें कि अच्छा रिसर्च करते हैं, डेटा यूज करना पड़ेगा, डेटा किसी और का है, अब उसको यूज करें, लेकिन उसको यूज करना अगर आपको अलाउ ही ना करें, और अगर यूज करें तो उससे पहले आपको रॉयल्टी देनी पड़े, तो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने मना किया हुआ है कि हाँ, अगर कोई बंदा रिसर्च पर्पस के लिए कोई चीज यूज करना चाहता है, वो अच्छा बिना रॉयल्टी दिए भी यूज कर सकते हैं, एंड इट विल नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट। ये मतलब हुआ ना, इट इज एन एक्सेप्शन टू द केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, कि आप किसी और का डेटा यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर रिसर्च पर्पस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल नॉट एट ऑल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट। फॉर क्रिटिसिज्म और रिव्यू, अच्छा बट ऑब्वियस है, अच्छा मूवीज का एग्जाम्पल ले लो, कि मूवी क्या, अच्छा जैसे क्रिटिसिज्म होता है मूवी का, कोई क्रिटिक्स अपने रिव्यू दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें आप देखोगे जैसे कोई मूवी, एक तो होता है कि अखबारों में रेटिंग आ गई, जो मूवी चैनल जो क्या कहते हैं न्यूज चैनल्स वगैरह होते हैं, NDTV, हिंदुस्तान, ये जो अलग अलग अलग, तो अपने जब ये TV चैनल्स पे भी इनके शोज आते हैं कि मूवी की रेटिंग हम दे रहे हैं, आधे आधे घंटे के शोज आते हैं चैनल के ऊपर, उसमें भी पूरी मूवी के बारे में बताते हैं, तो जब उसको रिव्यू दे रहे हैं उसके ऊपर अपना, या अपना क्रिटिसिज्म दे रहे हैं कि हम 5 में से 2.5 स्टार दे रहे हैं, 2 स्टार दे रहे हैं, तो देखोगे पहले उस पिक्चर का ट्रेलर दिखाया जाता है,
कि ये मूवी आज आज शुक्रवार को आज ये मूवी रिलीज हुई है, उसका ट्रेलर देख लो पहले, फिर ट्रेलर देख लो, फिर जब तक वो अपना रिव्यू दे रहे होते हैं, जैसे राजीव मसान वो अपने रिव्यू दे रहे होते हैं, तो पीछे देखोगे तो मूवी का ट्रेलर भी चल रहा होता है, मूवी के गाने भी बीच बीच में दिखाते रहते हैं, मूवी के सीन्स दिखाते रहते हैं कुछ कुछ, कि बीच बीच में होता है ऐसा। तो देखा जाए तो आप तो उस जो मूवी का फिल्म मेकर है उसकी यूज चीज है, आप क्यों यूज कर रहे हो, आपको यूज और अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हो उसकी चीज यूज करके, तो देखा जाए तो आपको पहले उसको रॉयल्टी देनी चाहिए। लेकिन स्टिल क्योंकि आप अपने लिए यूज नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर रिव्यू देने के लिए यूज कर रहे हो और उसका एक क्रिटिसिज्म हो सके इसलिए यूज कर रहे हो, इट इज इट डज नॉट अमाउंट टू। ठीक बात भी तो है, सब हर चीज में देखना आप खुद को कि हाँ ये तो होना ही चाहिए। फॉर रिपोर्टिंग करंट इवेंट्स न्यूज, सबसे सिंपल बात, न्यूज भी दिखाते हैं तो न्यूज में दिखाने के लिए भी आपको कोई ना कोई रॉ डेटा चाहिए होता होगा कि भैया ये देखो, जैसे मूवीज का ही बताते हैं उसमें भी कि यार ये मूवी रिलीज हुई है, उसमें भी कभी कभी ये भी तो एक न्यूज है, एक मूवी फिल्म इंडस्ट्री की न्यूज है, या ये सेलिब्रिटी ये कर रहा है, ये सेलिब्रिटी वो कर रहा है, उसने एक बुक लिखी है सेलिब्रिटी ने, उसका बुक दिखा दी, कुछ भी, तो आप उसकी चीज यूज कर रहे हो, लेकिन स्टिल इट इज अलाउड क्योंकि न्यूज देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर तो। अच्छा ये पॉइंट बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन कनेक्शन विद जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसका क्या मतलब है, इन कनेक्शन विद जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोर्ट पब्लिशिंग ऑफ जजमेंट, ठीक है, और आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है मतलब समझ गया, मतलब आप दोनों बातें ठीक बोल रहे हो, ऐसे इसको ऐसे समझ लो। अच्छा कोर्ट में कोई चीज के ऊपर डिस्प्यूट आ गया दो पार्टीज का, ए और बी का, ठीक बोली आपने बात, मैं उसको इलेबोरेट कर रहा हूँ बस। अच्छा कोर्ट में अपनी अपनी बात को प्रूव करने के लिए दोनों पार्टीज एविडेंस देंगी, ए और बी का डिस्प्यूट आ गया, ए भी अपनी बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस देगा, बी भी देगा। अच्छा एविडेंस कैन बी ओरल, एविडेंस कैन बी डॉक्यूमेंट्री, ये तमाम जो आप लाइनें सुनते रहे तो तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, इसका क्या मतलब है, गवाह मतलब क्या होते हैं, जो कटघरे में बुलाया जाता है, जिनको जो विटनेस होते हैं, जिन्होंने कुछ देखा था होते हैं, उनको बोलते हैं गवाहों, वो गवाह उनकी गवाह, उन्होंने आगे कटघरे में आके गवाही दी अपनी, तो इनको बोलते हैं ओरल एविडेंस। और तमाम गवाहों और सबूतों को, सबूत मतलब होता है एविडेंस जो रिटन फॉर्म में एविडेंस था, समझ आया, तो मतलब जो रिटन एविडेंस दिए गए थे, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए फिर ये फैसला आता है। तो मतलब एविडेंस कैन बी इधर इन द फॉर्म ऑफ ओरल एविडेंस, कि कटघरे में आपने किसी को बुलाया और उससे उसकी स्टेटमेंट ली, या फिर रिटन एविडेंस। और अच्छा कभी आपने सुना कि मूवीज वगैरह में दिखाते भी हैं कि कोई चीज को प्रूव करने के लिए कोई बंदा कोई वीडियो क्लिप दिखा रहा है, हो सकता है कि भैया कोई गाना कोई सॉन्ग से रिलेटेड डिस्प्यूट है या किसी मूवी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो उसके लिए ऑब्वियसली अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई वीडियो क्लिपिंग भी दिखानी पड़ सकती है। अब देखा जाए तो उस टाइम पर डिस्प्यूट बन जाएगा कि आप भैया इस मूवी की मूवी क्लिपिंग कैसे दिखा रहे हो, ये तो इसका कॉपीराइट है, ये उसका कॉपीराइट है, लेकिन आप क्यों दिखा रहे हो, यहाँ तो जो आपने बोला यहाँ तो कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया हो, लेकिन नॉट नेसेसरी कि कोर्ट ने ऑर्डर किया हो, क्या पता हो सकता है उसको अपनी बात प्रूव करने के लिए ये करना जरूरी हो, या कोई गाने के ऊपर ही डिस्प्यूट आ गया, ये गाना इसका कॉपीराइट है या उसका कॉपीराइट है, तो गाना सुनाना हो सकता है, ऐसी कोई नौबत भी आ जाए कि भैया गाना सुनाना पड़ जाए, हाँ ये देखो ये वाला गाना चला के देख लेते हैं, इसमें ये वर्ड्स बोलेंगे वो पहले मतलब डिस्प्यूट तो धरा का धरा रह जाएगा, एक नया डिस्प्यूट और आ जाएगा कि ये गाना कैसे चला दिया आपने, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऐसा करा हुआ है कि हाँ जुडिशियल प्रोसीडिंग कानूनन कार्यवाही उसको रोकने मतलब उसमें वो स्थगित ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करा हुआ है, ये अलाउ किया हुआ है कि इट विल नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट, बट ऑब्वियस है होना भी चाहिए। परफॉर्मेंस बाय एन एमेच्योर क्लब और सोसाइटी इफ द परफॉर्मेंस इज गिवन टू अ नॉन पेइंग ऑडियंस। अच्छा एक वर्ड लिखे एमेच्योर, इसको एमेटर भी बोलते हैं और वो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेंट यूके यूएस का, तो ये AMATEUR इट कैन इवन बी प्रोनाउंस्ड एज एमेच्योर और एमेटर भी बोल देते हैं। अच्छा दो वर्ड होते हैं, एक होता है इमेच्योर और एक ये वाला एमेच्योर या एमेटर, दोनों में फर्क है, एक इमेच्योर वो आई से IMMATUR इमेच्योर और एमेच्योर क्या फर्क है, ठीक है बहुत बढ़िया बिल्कुल सही। इमेच्योर का मतलब होता है कि जिसकी अभी लीगल मतलब उसकी नॉलेज इतनी डेवलप नहीं, उसकी वो थिंकिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, जैसे हम कानून में बोलते हैं कि वो माइनर है अभी, तो माइनर हम जनरली बोलते हैं ये इमेच्योर बनता है अभी, इसको ज्यादा समझ नहीं है अभी, तो उसको बोलते हैं कि इमेच्योर, मेच्योरिटी नहीं है जिसके अंदर अभी चीजों को समझने की। और एमेच्योर होता है जो किसी चीज के अंदर नया नया है, नौसिखिया, कि अभी वो नई नई चीज अभी उसके अंदर एंटर किया है, उसको सीख रहा है, अभी प्रोफेशनल नहीं बना है वो चीज में, जैसे आप जब मान लो प्रैक्टिस में चले गए, तो प्रैक्टिस में जाने के बाद पहले 4-5 साल तक आप एमेच्योर ही रहते हो, कि आप अभी नए नए तो आए हो, अभी आप सीख रहे हो,
अभी आप प्रोफेशनल या एक्सपर्ट नहीं बन गए प्रैक्टिस में कि अच्छा मेरे को तो ये भी आ गया, मुझे कंपनी इनको मैंने पढ़ के सब कुछ सीख लिया, मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी भी आ गई, मुझे कंपनी बंद करनी भी आ गई, मुझे पब्लिक इशू लाना भी आ गया, सब आता है। ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो जब आप किसी चीज में नए नए होते हो उसको बोलते हैं यू आर एमेच्योर या एमेटर या एमेच्योर। अब लाइन देखो, अच्छा ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि भैया उनको कि वो समझ पाए चीज़ों को, तो अभी वो नए नए आए हैं वो उस चीज़ के अंदर अपना बेस डेवलप कर पाए, दिस शुड बी प्रमोटेड और नॉट। यस, अब देखो लिखा क्या हुआ है, परफॉर्मेंस बाय एन एमेच्योर क्लब और सोसाइटी इफ द परफॉर्मेंस इज गिवन टू अ नॉन पेइंग ऑडियंस। ये क्या मतलब है कि जैसे मान लो कोई नए नए सिंगर विंगर हैं वो निकल पड़े भैया रोडों पे गाने लग गए कि भैया रोड पे गाना गा, अब वो नए नए हैं और वो उनको पर्पस पैसा कमाना नहीं है, नॉन पेइंग ऑडियंस है वो पैसा कमा, वो अपने आप को सीखने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे ये यहाँ पे कम होता है, लंदन में तो बहुत फेमस है, जैसे वो जो जब तक है जान में शाहरुख खान भी तो यही करता होता है कि भाई वो अपने पर्पस के मतलब वो पैसा कमाना उसकी इंटेंशन नहीं है उनकी, वो तो मिल गया तो अलग बात है, वो लोग दे भी देते हैं लेकिन वो अपने आप को बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और लंदन में बहुत फेमस है चीज़ें कि मतलब वो गाने वाने बजाते रहते हैं, उस मूवी में दिखाया भी है कि वहाँ पे रोड में ही शोज हो रहे हैं, वो कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहे, आप अपने आप से दे रहे हो तो अलग बात है, वो तो सिर्फ अपना गाना वाना गा रहे हैं रोड के ऊपर खुलेआम, भैया कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई अपना वो लंदन ड्रीम्स मूवी आई थी एक जो अजय देवगन वगैरह सलमान का, उसमें भी यही था कि वो अजय देवगन बीच में रोड पे खड़े होकर शोज कर रहे हैं। जब तक आप किसी ऑडियंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे और उनकी इंजॉयमेंट भी हो रही है और आप चार्ज भी नहीं कर रहे, इट इज अलाउड, और आप पैसे नहीं ले रहे और अपने आप को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस, क्योंकि सिंस यू आर एन एमेच्योर इन इट, तो उस केस में इट इज अलाउड आपको डेवलप करने के लिए, इन ऑर्डर टू डेवलप योर बेस इन दैट प्रोफेशन और फील्ड, उसके लिए अलाउ किया होगा। द मेकिंग ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग्स ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, ये पॉइंट आपको समझ आएगा, ये जबरदस्ती डाला हुआ है। वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन अलाउड है, वो क्या कंडीशन है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, इतना ही लिखा हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन एंड रिलीजियस सेरेमनीज, अच्छा फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन जाहिर सी बात है होना चाहिए, जैसे फाइनल में आपका एक पेपर है ड्यू डिलीजेंस, जैसे ड्राफ्टिंग है ड्यू, चलो छोड़ो मतलब कोई भी पेपर है, जैसे आपका कंपनी लॉ का पेपर है तो उसके अंदर बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, आपसे सब आप तो पढ़ चुके सब कुछ। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं फाइनल में पढ़ाता हूँ तो मैं और भी बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो मैं वो एक्चुअल में कंपनीज के डेटा दिखा देता हूँ कि जैसे किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट दिखा दी, किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस दिखा दिया, किसी कंपनी के आर्टिकल्स मेमोरेंडम दिखा दिए, देखा जाए तो अलाउड थोड़ी है, वो उनकी उनका कॉपीराइट उस चीज़ के अंदर, हम कैसे उसका प्रोस्पेक्टस दिखा रहे हैं क्लास में, बट आर वी डूइंग इट फॉर अवर ओन सेक, हम अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, नो वी आर प्रमोटिंग एजुकेशन, हम आपके फॉर एजुकेशन पर्पस वी आर यूजिंग इट, और आपको समझ आए उस चीज को अच्छे से, आप अप्रिशिएट कर पाओ, रिकॉग्नाइज कर पाओ उस पर्पस से, तो उसमें भी अलाउड, फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन इट इज अलाउड। और दियो एंड रिलीजियस सेरेमनीज, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, रिलीजियस पर्पस के लिए भी अलाउड किया हुआ है, हिंदुस्तान में तो वैसे भी रिलीजियस अलग चलता है, वो उसमें सब कुछ अलाउड है, आप धर्म के नाम में कुछ करो तो वो इट इज अलाउड इन इंडिया, बाकी कंट्रीज में नहीं होता, इंडिया में है ही इसका इतना कॉन्ट्रोवर्शियल इशू कि धर्म को अलग ही रखो भैया, वो उसको बीच में मिक्स ही मत करो। जैसे आप देखो इस्कॉन टेम्पल है, अच्छा वहाँ पे आपने कभी आप देखा हो या उसमें हर शाम को सेरेमनीज होती हैं, कि हम जनरली हर टेम्पल के अंदर सेरेमनीज वगैरह होती हैं, अब आपने कभी ध्यान दिया सेरेमनीज में ना वो मूवीज के सॉन्ग्स वगैरह भी यूज करते हैं, और देखा तो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं अच्छे खासे, और कुछ कुछ तो मतलब वहाँ पे आप जो भी कह लो वो श्रद्धा से दिया जा रहा है, चढ़ावा या जो भी है, पैसे तो आ रहे हैं, वो टैक्स में बेनिफिट है, ये सब भी है, तो भाई अलग अलग रेवेन्यू भी इतना आ रहा है उनका, कुछ करना भी नहीं है, लागत कुछ मतलब बिजनेस बन गया ज़्यादा, कि लागत कुछ है नहीं और सब कुछ आ ही जा रहा है जो आप मानते हो अलग बात है, जो भी वो भी है, लेकिन तो अब वो वहाँ पे भी जो सेरेमनीज वगैरह होती हैं, सेरेमनीज वगैरह में आपने देखो इस्कॉन टेम्पल में वहाँ पे अलग अलग सॉन्ग्स चलाए जाते हैं, अलग अलग मूवीज़ के, मूवी से सॉन्ग्स चला देते हैं, या कभी कभी मूवीज़ के सॉन्ग को यूज़ करके उनके लिरिक्स चेंज कर देते हैं, ये तो बड़ा कॉमन है इंडिया में, वो मतलब रिलीजियस वाले जो गाने होते हैं वो मूवी से गानों के लिरिक्स चेंज कर दो, ट्यून सेम रहने दो और वहाँ पे अपना बना दो नया गाना, देखा भी होगा आपने हर एक में ऐसा ही होता है, कोई भी गाना उठा लो आप, तो उसमें भी आप इशू बन सकते हैं कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने किसी और मूवी का भाई धर्म के नाम पे किया, चुप करके बैठ दो, तो कुछ पंगे मत लो, जो इंडिया में ऐसे ये फैक्ट है कि आपने धर्म के भी मतलब चाहे आप जितनी भी सही बात बोल रहे हो पर अगर आपने बीच में रिलीजन को लिया है ना, कोई उस बात का लॉजिक नहीं है, कोई आपका आर्ग्यूमेंट जितना भी काम करो वो बेसलेस बन चुका है, क्योंकि सामने वाले लोग समझेंगे नहीं, इसलिए मैं भी कुछ नहीं ज्यादा बोलूंगा, इसलिए आगे बढ़ दो चुपचाप, तो क्योंकि उसमें है ही एक्चुअली।
अगले दो टॉपिक दिए आपको, बस ये मैं खत्म करके ब्रेक देता हूँ, इसलिए क्या ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा आपको। राइट्स ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट्स और एक दो टॉपिक दिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, ये दोनों टॉपिक मैं साथ में पढ़ा देता हूं। जो हमारा इंडिया का कॉर्पोरेट लॉ है, हम बोलते हैं इसके अंदर मेजरली दो मेन बॉडीज हैं, कौन कौन, एक जो हमने पढ़ भी लिया थोड़ी, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स, आरओसी कंपनीज एक्ट वाला नहीं, यहां वाला रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स, और दूसरी बॉडी हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड, शॉर्ट में आईपीएबी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड। दीज आर द टू मेन बॉडीज अंडर इंडियन कॉपीराइट लॉ। दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, दोनों के अलग अलग काम है, वही आपको दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट लॉ में, कि कॉपीराइट लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन सी बॉडीज हैं इस लॉ के अंदर, वही मैं बता रहा हूं। सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, दोनों के अलग अलग काम है। अच्छा, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट का कम काम है, जो इस एक्ट के अंदर ज्यादा काम है ना वो इसका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड का। रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट जो है वो छोटे मोटे मैटर्स हैंडल करता है, जैसे सबसे मेन अभी रजिस्ट्री का, उसका मेन काम यही है। रजिस्ट्रार नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि भैया उसका काम रजिस्ट्री करने का है, तो कॉपीराइट्स को रजिस्टर करवाना ये रजिस्ट्रार की पावर है। अच्छा, कोई वो उसको जो उसकी एप्लीकेशन को पब्लिश कराना ये उसका काम है, अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए उसको हेयर करना, हेयरिंग करवाना, दोनों की बातें सुनना ये उसका काम है, सर्टिफिकेट ग्रांट करना ये उसका काम है। रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट इज प्राइमरली कंसर्न विद दीज वर्क्स ओनली, और भी काम है बट आपके जानने के लिए नहीं, मेन काम जो होता है रजिस्ट्रार का वो यही होता है कॉपीराइट रजिस्ट्री। ये क्या चीज है फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये वर्ड सुना कभी पहले? सुना तो होगा, बोल मत देना नहीं सुना। ऐसे ये नहीं सुना एनसीएलएटी क्या? हाँ ठीक, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या एपेलेट वर्ड का मतलब कहां से आता है ये? मतलब किसी चीज में अगर ये एपेलेट वर्ड लिखा भी हुआ है क्या मतलब? दिस इज अ बॉडी विच विल हियर अपील्स, हमेशा याद रखना, जहां भी एपेलेट वर्ड आ जाए मतलब ये एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन काम है टू हियर अपील्स। अब अपील मतलब, अपील मतलब किसी लोअर अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया और उसके अगेंस्ट वो जो एग्रीव्ड पार्टी है ही इज मेकिंग अ कंप्लेंट, वो चैलेंज कर रहा है उसको ऑर्डर को, तो चैलेंज करके हायर अथॉरिटी के पास जाओगे, तो हायर जो जाते हो उसको बोलते हैं यू आर मेकिंग एन अपील, तो वो अपील। अब जैसे एनसीएलटी और एनसीएलएटी आप पढ़ते हो कि कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया, पढ़ते हो ना, एनसीएलटी हैज पास एन ऑर्डर अगेंस्ट सम पर्सन और अगेंस्ट सम कंपनी, एंड लेट्स से दैट कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दैट ऑर्डर, तो शुड द कंपनी हैव द राइट टू चैलेंज दैट ऑर्डर? यस, द कंपनी हैज बीन ग्रांटेड दैट राइट बाय वर्चू ऑफ कंपनी लॉ एंड इट कैन चैलेंज दैट राइट बाय वे ऑफ एन अपील टू एनसीएलटी। वो कंपनी एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकती है कहाँ? एनसीएलटी में। हर लॉ में प्राइम मेजरली ये बॉडीज होती हैं। अभी आपने पढ़ा नहीं है सेकंड मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल में आप पढ़ोगे सेबी एक्ट 1992, सेबी से रिलेटेड लॉ है, जो सेबी के ऑर्डर्स, सेबी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, सेबी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी अपील हो जाती है, वो हो जाती है सेट में, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल, SAT, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल। एक बॉडी सुनिए, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम लाइसेंस इशू करती है, जो ये सबका इनका मर्जर भी पहले इनसे, आइडिया वोडाफोन का जो मर्जर हुआ था पहले ट्राई ने अप्रूव किया था, फिर एनसीएलटी में गया था, कोई बात नहीं इतना डिटेल में आपने पता नहीं। तो ट्राई इज अ टेलीकॉम, जैसे RBI बैंकिंग कंपनीज का रेगुलेटर, IRDA इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर, सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर, उसी तरीके से ट्राई टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेगुलेटर। तो ट्राई ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, मान लो वोडाफोन के अगेंस्ट या आइडिया के अगेंस्ट या जियो के अगेंस्ट, वैसे करेंगे नहीं जियो के अगेंस्ट क्योंकि वो चला ही देश वो रहा है भैया, तो ट्राई ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, ट्राई के ऑर्डर से अगेंस्ट भी अपील हो सकती है, वो जाती है टैट में, टेलीकॉम एपिलेट ट्रिब्यूनल, TAT, टेलीकॉम, वैसे इसका पूरा नाम है TDSAT, शॉर्ट में TDSAT, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन शॉर्ट में टैट बोल देते हैं, क्योंकि सैट कैट MBA के पेपर ज्यादा लग रहे हैं, कैट GMAT से, लेकिन वो इसी तरीके का नाम है, सैट टैट NCLAT ऐसी। हमने यहाँ क्या पढ़ा, यहाँ पे अलग नाम है थोड़ा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड। अब अपने अलग लोग ये करेगी क्या, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट ने अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया, समझ आ गया, अगर रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया
एंड लेट्स से एनी पर्सन इफ एनी पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ही और शी शुड हैव द राइट टू चैलेंज दैट ऑर्डर एंड ही और शी विल हैव दैट राइट बाय वे ऑफ एन अपील और वो अपील किसको लगती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड क्लियर और ये दोनों मेरे ख्याल से इसमें मुझे टाइम नहीं लगेगा ये दोनों ही दोनों क्या है क्वासी जुडिशियल बॉडीज है पता है ना हाँ बोलो क्वासी जुडिशियल बॉडीज कौन होती है पता है अरे एनसीएलटी ये सर बता सर ने ये मत बोला सर ने बताया नहीं है मतलब ये तो बता ही दूं क्या लग नहीं रहा तुम्हारे हाव भाव से कि पढ़ा है कभी सुना है कभी क्वासी जुडिशियल बॉडी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्वासी वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ इतना तो मतलब जो मतलब सर ने बताया समथिंग विच सीम्स टू बी बट नॉट एक्चुअली सो तो क्वासी वर्ड का मतलब होता है जो किसी चीज की तरह लगती है बट वो चीज होती नहीं है आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए फाउंडेशन में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखते हैं असल में कॉन्ट्रैक्ट है नहीं यही पढ़ते थे ना उसके अंदर कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं क्योंकि उनके अंदर सारे फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है नहीं वो उसी तरीके से क्वासी जुडिशियल बॉडीज अच्छा जुडिशियल बॉडी कौन होती है जुडिशियल बॉडी हम बोलते हैं कोर्ट्स को कि उनका काम जुडिशियल बॉडी मतलब कोर्ट जहां पे जुडिशरी की बात आ गई मतलब हम कोर्ट्स की बात कर रहे हैं लेकिन मैंने क्या लगा दिया क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब क्वासी कोर्ट क्या मतलब ये कोर्ट की तरह लगेंगी लेकिन कोर्ट होंगी नहीं ये मतलब हुआ ना ये इनका काम काज करने का तरीका कोर्ट की तरह लगेगा बट रियलिटी में ये कोर्ट होंगी नहीं अब जैसे उसके एग्जाम्पल एनसीएलटी एनसीएलटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी एनसीएलटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी ये जो मैंने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं ये सैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वासी जुडिशियल ये नहीं सैट ये भी नहीं ये टैट टेलीकॉम एपलेट ट्रिब्यूनल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी कभी सुन वैसे पढ़ा नहीं होगा शायद आपने पर वो सुना जरूर होगा कंज्यूमर फोरम्स होते हैं कि अगर आपको अपनी कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोपरा इसको लॉ का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो उसके लॉ के अंदर आप एज अ कंज्यूमर अगर अपना केस फाइल करना चाहते हो आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन ये बॉडीज बनी हुई है ये भी क्या होती है क्वासी जुडिशियल बॉडीज अब आप बोलोगे सर इनको ऐसा बोला ही क्यों जा रहा है इनको क्वासी क्यों बोलते हैं कि क्यों कोर्ट की तरह लगती है अच्छा आप खुद देख लो जो काम एक कोर्ट करती है वही काम ये लोग करते हैं अच्छा एनसीएलटी में क्या होता है एनसीएलटी में क्या होता है कंपनी लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट जाते हैं यही होता है कि कम मतलब वहां पे डिस्प्यूट जाएंगे पर किसी और लॉ के नहीं अच्छा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जाएंगे क्या एनसीएलटी में डाइवोर्स से डिस्प्यूट जाएंगे क्या बच्चे की कस्टडी के डिस्प्यूट जाएंगे क्या लेबर लॉ के डिस्प्यूट जाएंगे क्या नहीं सिर्फ एक तरीके का डिस्प्यूट जाएगा कौन सा कंपनी लॉ के डिस्प्यूट जाएंगे ऐसी जो टैट का एग्जाम्पल दिया टेलीकॉम वहां पे जाएंगे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट वहां पे सिर्फ क्या जाएंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री के डिस्प्यूट जाएंगे सैट में कैपिटल मार्केट के शेयर मार्केट के डिस्प्यूट जाएंगे सिर्फ ऐसा अब एनसीएलटी में कंपनी लॉ के डिस्प्यूट जा रहे हैं अच्छा किसी कोर्ट में अगर मान लो किसी दो लोगों का झगड़ा चल रहा है कोर्ट में क्या होता है कोर्ट उनको समन इशू करती है समन इशू करने का मतलब नोटिस देके बुलाना कि इस दिन आपकी कार्यवाही की डेट आप मतलब आपको आना पड़ेगा और पेशी देनी पड़ेगी कोर्ट में हेयरिंग की डेट है उसे तो कोर्ट भी डेट ऑफ हेयरिंग इशू करती है समन इशू करके बुलाती है लोगों को फिर दोनों पार्टीज कोर्ट में जाती हैं अपने अपने एविडेंस दे दिए ओरल एविडेंस रिटन एविडेंस फिर कोर्ट उनकी बातें सुनती है अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देती है फिर तमाम गवाहों बार बार ये लाइन आ रही है तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रख के एक फैसला सुनाती है अदालत यही काम होता है कोर्ट का अच्छा एनसीएलटी क्या करेगी एनसीएलटी भी यही करती है मतलब एनसीएलटी का मेन काम यही तो है कि किसी कंपनी और किसी शेयर होल्डर का डिस्प्यूट चला गया समझ आ गया जैसे आप पढ़ते तो कि वो सेक्शन 58 में राइट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रिफ्यूज टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ ना हाँ पढ़ा हुआ ना ठीक है मैं कंटेंट नहीं पूछ रहा उसका लेकिन आपको याद तो उसमें आप पढ़ते हो कि अगर किसी कंपनी ने किसी शेयर होल्डर के रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर रिजेक्ट कर दिया तो शेयर होल्डर कैन मेक अ कंप्लेंट टू एनसीएलटी विद इन 30 days और 60 days डिपेंडिंग अपॉन पब्लिक है प्राइवेट कंपनी है थोड़ा एग्जाम्पल देना भारी पड़ जाए और ज्यादा मतलब एग्जाम्पल देने से बात आसान होती है लेकिन हमारी क्लास में एग्जाम्पल देने से क्लास मुश्किल हो जाती है क्योंकि इनको पहले एग्जाम्पल समझाओ चलो छोड़ो तो सेक्शन 58 में लिखा हुआ है ठीक है तो शेयर होल्डर मतलब एनसीएलटी में शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट चलेगा अब एनसीएलटी भी क्या करेगी शेयर होल्डर की बात सुनेगी कंपनी की बात सुनेगी दोनों को डेट ऑफ हियरिंग देगी दोनों की एविडेंस लेगी और तमाम गवाहों और सबूतों को फिर से डैश 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 करके एक फैसला सुना देगी अच्छा सेम काम तो किया जो कोर्ट ने करा था तो देखने में तो कोर्ट ही लग रही है कि एनसीएलटी भी वो काम कर रही है जो एक कोर्ट करती है सिमिलरली टैट भी वो काम करता है जो एक कोर्ट करती है सैट भी वो काम करता है जो एक कोर्ट करती है इसलिए इनको बोलते हैं क्वासी कोर्ट्स बट ये कोर्ट्स हैं एनसीएलटी कोर्ट है क्या ना
कोर्ट में तो सिर्फ एडवोकेट को जाना अलाउड होता है, लेकिन हम एनसीएलटी में हम भी जा सकते हैं, आपको पता होगा, कंपनी सेक्रेटरी कैन ऑल्सो रेफर, कंपनी सेक्रेटरी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द केस ऑफ हिज क्लाइंट बिफोर एनसीएलटी. तो इसलिए इनको कोर्ट नहीं बोलते, इनको ये दिखने में कोर्ट जैसे जोड़ की तरह होती है, बट इन रियलिटी दे आर नॉट कोर्ट्स. समझ आ गया? चलो, तो इन ये दोनों ही क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड. और इसलिए इनके पास वो सारी राइट्स होती है जो कोर्ट के पास होती है, और वही लिस्ट दी हुई है, कोई मुश्किल नहीं, आप पढ़ लोगे. आखिरी में बस 5 मिनट, इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट. इंफ्रिंजमेंट मैंने पहले बताया हुआ है, इंफ्रिंजमेंट का मतलब अनऑथराइज्ड यूज ऑफ समवन एल्सेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और वो कॉपीराइट के कंटेक्स्ट में बोलो तो इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट कि किसी ए का कोई क्रिएटिव वर्क था, लेकिन बी ने अनऑथराइज तरीके से या बिना ए की परमिशन के उसका काम यूज कर लिया, क्या बोलेंगे बी ने क्या करा? इंफ्रिंजमेंट. अब अच्छा, ये है तो गलत इंफ्रिंजमेंट करना. अब देखना ये दिया हुआ है कि किस चीज को इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा, किस चीज को इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा. और बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इसलिए मैं वहीं से आपको पढ़ाता हूँ. आप मतलब लाइन बड़ी अच्छी लिखी है इन्होंने, वैसे आईसीएसए की बुक में बड़ा कम होता है ऐसा कि बड़ी अच्छी लाइन, क्योंकि कॉपी पेस्ट करते हैं अपना स्टडी मटेरियल, तो लाइन अच्छी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी लाइन मिली है इनको, जहां से भी मिली है. कॉपीराइट इन अ वर्क इज कंसिडर्ड एज इन्फ्रिंज्ड ओनली इफ अ सब्सटेंशियल पार्ट इज मेड यूज ऑफ अनऑथराइज्ड. व्हाट इज सब्सटेंशियल वेरीज फ्रॉम केस टू केस. मोर ऑफन देन नॉट इट इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. क्या भारी भारी वर्ड्स हैं, और मजे आएंगे पढ़ने में भी. क्या मतलब हुआ? कॉपीराइट इन अ वर्क इज कंसिडर्ड एज इन्फ्रिंज्ड ओनली इफ अ सब्सटेंशियल पार्ट इज मेड यूज ऑफ अनऑथराइज्ड. समझ आगे होगा कि छोटी मोटी चीज को अगर आपने किसी की यूज कर लिया, इट इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट, इट विल नॉट एट ऑल अमाउंट इन्फ्रिंजमेंट. बट आपने किसी चीज का सब्सटेंशियल पार्ट यूज कर लिया, इट विल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट. कहने का मतलब, आपने किसी गाने की, गाने में 25 लाइनें थी, आपने दो तीन लाइनें चुरा ली, सब्सटेंशियल पार्ट नहीं था, इट विल नॉट अमाउंट. अभी रुकना, अभी होल्ड में, अभी इसमें इफ्स एंड बट लगेंगे. अगर आपने किसी गाने की दो तीन लाइन चुरा ली 25 में से, इट विल नॉट अमाउंट इन्फ्रिंजमेंट, बिकॉज सब्सटेंशियल पार्ट इज नॉट मेड अनऑथराइज यूज ऑफ. बट अगर आपने किसी गाने की 25 में से 20-22 लाइनें चुरा ली, सब्सटेंशियल मोटा पार्ट आपने चुरा लिया, भाई अब क्या रह क्या गया गाने में बजाने में? वो दो तीन लाइनें तो वैसे भी सिर पैर की नहीं थी, वो ऐसा कुछ लाइन होगी उसमें, वो आपने चुराई नहीं, तो लेकिन सब्सटेंशियल पार्ट तो आपने चुरा लिया ना, तो ये बोलेंगे कि आपने इन्फ्रिंजमेंट करी है. समझ आ गया यहां तक? बट व्हाट इज सब्सटेंशियल एंड व्हाट इज नॉट सब्सटेंशियल, इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस. ये देखो वही लाइन लिखी है, व्हाट इज सब्सटेंशियल वेरीज फ्रॉम केस टू केस. क्या मतलब? किसी गाने की भैया हो सकता है 25 में से 24 लाइनें नॉन सब्सटेंशियल है, लेकिन एक लाइन ही सब्सटेंशियल है. किसी गाने में हो सकता है कि एक लाइन सब्सटेंशियल नहीं, 24 लाइनें सब्सटेंशियल है. हो सकता है मतलब कोई गाना इतना फेमस है कि उसकी वो एक लाइन ही बहुत फेमस है, और कोई गाना ऐसा है कि उसकी बाकी सारी लाइनें फेमस नहीं है, तो वो चुरा भी ली तो मतलब किसी गाने की 4 लाइनें मिला के भी सब्सटेंशियल नहीं हो सकती, और किसी गाने की एक लाइन भी सब्सटेंशियल हो सकती है. तो व्हाट इज सब्सटेंशियल, इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस. और देखो आगे एक बड़ी रचना लिखी है, मोर ऑफन देन नॉट इट इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. मतलब आपने क्वांटिटी नहीं देखना कि 25 में से 20 चुराई है तो ये क्या है, ये सब्सटेंशियल है, ये नहीं, आपने क्वालिटी देखनी है, चाहे वो एक लाइन भी हो, इट कैन ऑल्सो अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, और वो भी सब्सटेंशियल बन सकती है. जैसे अच्छा, ये जो आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है, जो टीवी शोज के नाम होते हैं, बड़ा कॉमन ट्रेंड बन गया कि टीवी शोज के नाम किसी फेमस गाने की लाइन में से उठा के लिख देते हैं. हमेशा ये कोई भी शो देख लो, मुझे नाम नहीं पता, मतलब कोई सा भी शो उठा लो, कोई गाना ही बोल लो अपने आप, उसका कोई नाम का शो आता होगा टीवी पे, ये तेरा मुझसे पहले का नाता हो, कोई शो आता होगा, मुझे नहीं पता, या कोई भी आप गाना लगा लो कि बोल दो ना कुछ भी, कुछ गाना जो याद आ रहा हो, जो वो उसका कोई वर्ड, वो कोई किसी फिल्म किसी सीरियल का या शो का डेली शो का नाम जरूर होगा. आज के डेट में ऐसा है ही, मूवी में भी यूज कर लेते हैं कि मूवी उसी नाम से बना दी. अब देखा जाए तो वो भी तो आपने, अब उस जैसे मान लो यही, मुझे नहीं पता ऐसा कोई शो आता है कि नहीं, ये तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, लेकिन ये आता है क्या? चलो ठीक है, तो ये एक लाइन भी जो है उस एक गाने में 25 लाइनें थी, लेकिन उसकी कैची लाइन तो यही थी, तेरा मुझसे पहले का नाता कोई. अब उसने आपने यही लाइन चुरा ली, और आप कह रहे हो मैंने बाकी 40 लाइनों में से एक ही तो चुराई है, इसको क्यों सब्सटेंशियल मान रहे हो? बट है ना भाई, वो गाना जाने तो या जाने ना, वो पुराना गाना था एक, उसके ऊपर अच्छा ये लो आप तो सुना सुना है, मूवी बना दी उसके ऊपर, जाने तो या जाने ना, है तो असली में गाना था. अच्छा यही तो है तेरा मुझसे पहले, अच्छा यही तो गाना है वो, अच्छा मैं कहाँ खो गया, ठीक है इसी गाने की तो आगे की लाइन है वो, तो अब इसी के ऊपर आपने मूवी बना दी है.
अब ये देखा जाए तो आपने सिर्फ 5 वर्ड यूज करे हैं, जाने तू या जाने ना, बट वो 5 वर्ड अपने आप में कैची लाइन है। उस गाने की मेन ही लाइन ही यही थी। आप कहोगे कि नहीं मैंने बाकी थोड़ी चुराया है, सिर्फ 5 वर्ड चुराए हैं, स्टिल इट विल अमाउंट टू इंफ्रिंजमेंट। तो उन मूवी में आमिर खान की प्रोडक्शन हाउस की मूवी थी, तो उन्होंने ऑब्वियसली पहले परमिशन ली थी कि हम ये, और कोई भी डेली सोप भी आता है या कोई मूवी आती है तो पहले वो परमिशन लेते हैं, और सब्सटेंशियल क्या होगा क्या नहीं होगा इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। तो ठीक है, वो देखो लिखा भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ लिरिसिस्ट कॉपी अ वेरी कैचिंग फ्रेज फ्रॉम अनदर लिरिसिस्ट सॉन्ग देयर इज लाइकली टू बी इंफ्रिंजमेंट इवन इफ दैट फ्रेज इज वेरी शॉर्ट। जो बात मैंने बोली वही सेम लिखी आ गई, और कुछ कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि क्या क्या चीजें इंफ्रिंजमेंट होती है। कुछ नहीं है वो, मैंने सब तो बढ़ा दिए कि किसी अच्छा फिल्म की पायरेसी करना वो इंफ्रिंजमेंट है, उसका अनऑथराइज तरीके से बेचना वो भी इंफ्रिंजमेंट है, कोई इंपोर्ट करवाना उसकी कॉपी एक्सपोर्ट करना वो भी, सारे वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। और लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, अच्छा मान लो किसी ने किसी के कॉपीराइट इंफ्रिंज कर दिया, ये बी था इसने इंफ्रिंजमेंट कर दी ए के कॉपीराइट की, अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अच्छा बी अब कोर्ट में जाएगा कि भैया मेरी राइट्स इंफ्रिंज हुई है, तो बी हैज अ राइट टू गो टू कोर्ट, और कोर्ट के पास जाके वो क्या क्या रेमेडी मांग सकता है वो दी हुई है। बी 3 चीजें मांग सकता है, बी एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करवा सकता है, बी एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करा सकता है, बी डैमेजेस क्लेम कर सकता है, और बी अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मांग सकता है। ये 3 चीजें बी कोर्ट से मांग सकता है, क्या इंजंक्शन ऑर्डर पास करा सकता है, डैमेजेस मांग सकता है, और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मांग सकता है। बी मतलब कौन, जिसकी राइट्स, बी ही मांगेगा, बी मतलब जिसकी राइट्स इंफ्रिंज हुई है बेचारा जो है। अच्छा ये सुना कभी, शुक्र है मुझे लगा इसमें 10-15 मिनट लग जाए, क्या होता है इंजंक्शन, बहुत बढ़िया, स्टे ऑर्डर मत बोला करो, मतलब नेगेटिव ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऑटो में मतलब स्टे ऑर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ इंजंक्शन, जो आप बता रहे हो स्टे ऑर्डर, तो स्टे ऑर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, चलो ठीक है ना पता है आपको। नेगेटिव ऑर्डर मतलब कि आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ मत करो, अच्छा कुछ जैसे मैंने किसी के मतलब आप में से किसी के 5 लाख रुपए लेके भाग गया, तो आपने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया, तो कोर्ट में आप ये बोलोगे ना कि भाई इसको ऑर्डर करो कि मेरे 5 लाख रुपए मुझे वापस करे, यही होगा। और कोर्ट ने लेट से मुझे ऑर्डर कर दिया कि इनके 5 लाख रुपए वापस करो, अच्छा कोर्ट इज आस्किंग मी टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग टू रिटर्न बैक इज 5 लाख रुपीज, तो ये पॉजिटिव ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। बट अगर मैं आपके घर में इलीगल तरीके से घुस गया और कब्जा करके बैठ गया घर पे, ये मेरा घर है आप लोग बाहर दो, मान लो फिर आपने फिर कोर्ट के पास चले गए कि ये कैसे हमारे घर में घुस गए, ये हमारा घर है इलीगल तरीके से घुस गए, अब कोर्ट ने मेरे को क्या ऑर्डर, कोर्ट ने आपकी बात को ठीक रखा और कोर्ट ने मेरे को बोल दिया कि अब से आप इनके घर में मत घुसना कभी, अच्छा कोर्ट इज आस्किंग मी टू डू समथिंग और कोर्ट इज आस्किंग मी नॉट टू डू समथिंग फॉर एवर, कुछ ना करने को कह रही है, तो उसको बोलते हैं इंजंक्शन। तो वो स्टे ऑर्डर जो आप बोल रहे हो वो तो एक एग्जांपल है, इंजंक्शन का नेचुरल मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब आपको कुछ ना करने का कहा जाए इसको बोलते हैं इंजंक्शन। अच्छा यहां पे क्या लगेगा, किसी ने किसी की कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कर दिया, जिसका कॉपीराइट इंफ्रिंज हुआ है वो बंदा क्या बोल रहा है कि उस बंदे को रोको कि आगे से भी कभी मेरा कॉपीराइट इंफ्रिंज ना करे, अब तो जो उसने कर दिया सो कर दिया, उसके लिए कंपनसेशन दे जो कि मैं मांग रहा हूं, डैमेजेस, ये डैमेजेस का मतलब यही है कंपनसेशन, कि अभी का काम कैसे चलाऊं मेरे को कंपनसेशन दिलवाओ, और आगे से उसको मना करो कि कभी भी मेरा कॉपीराइट यूज ना करे, जो उसने इंफ्रिंजमेंट कर दी एक बार मैंने माफ कर दिया आगे से माफ नहीं होगा, तो आस्क हिम नॉट टू डू समथिंग, तो इंजंक्शन, डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, बिल्कुल जो उसका नाम यूज करके उसका कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट करके जो भी आपने प्रॉफिट डिराइव किया, अच्छा देखा जाए तो प्रॉफिट ए का होना चाहिए था जिसका वो ओरिजिनल वर्क था, क्योंकि उसी के नाम पे आपने वो सारी चीजें बेची हैं, तो अब वो कितना रिकॉर्ड मेंटेन था उसका क्या था वो तो अलग बात है, लेकिन ए कैन आस्क द कोर्ट कि भैया मेरा जो प्रॉफिट मेरा रह गया और बी ने मेरे नाम से जो कमा लिया, आस्क बी टू रिटर्न बैक द सेम अमाउंट टू मी, तो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब बी ए जो है वो ये भी राइट मांग सकता, क्लियर। और लास्ट में आपको पास एक छोटी सी पेनल्टी दी हुई है कि अगर किसी ने जैसे मान लो इसने इन्फ्रिंजमेंट कर दी थी ना बी ने, ये तो हमने क्या बोला कि ए के पास क्या क्या रेमेडी है, कि ए को क्या क्या मिल सकता है, अब बी को कितनी सजा होगी वो पढ़ रहे हैं कि जो इन्फ्रिंजमेंट करता है उसने जो एक ऑफेंस किया तो क्या सजा होती है, सिंपल सी बात है, अगर आपने इन्फ्रिंजमेंट करते हुए पकड़े गए तो 6 महीने की जेल हो सकती है आपको और 50,000 का फाइन लग सकता है, सिंपल सी बात। ये पहली बार मान लो एक बार आपको माफ कर दिया 6 महीने की, ये ऑप्शनल है
6 months imprisonment और 50,000 rupees fine और both. मतलब कोर्ट की मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है. उसके बाद मान लो आप फिर भी नहीं सुधरे, आपने आपको कोर्ट ने 6 महीने की सजा भी सुना दी और 50,000 rupees का फाइन भी ले लिया, दोनों कर दिया. उसके बाद फिर आप बाज नहीं आए, आपने फिर से वही चीज कर दी, आपने फिर से उसका इन्फ्रिंजमेंट करना शुरू कर दिया. अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है तो ये पेनल्टी डबल हो जाती है. फिर से अगर ये गलत काम करते हुए पकड़ेंगे तो अब आपको इम्प्रिजनमेंट होगी वो 1 साल की हो सकती है, 6 महीने का डबल, और फाइन पहले 50,000 का तो आप कितना हो जाएगा 1 लाख, और बोथ सेम ऑप्शन. तो मतलब पहली बार ऑफेंस किया तो 6 महीने की सजा या फिर 50,000 का फाइन या बोथ, और फिर से जितनी बार भी करते हुए पकड़े गए 1 लाख की सजा अमाउंट जुर्माना या फिर 1 साल की सजा या फिर आपका दोनों में मिल सकता है. क्लियर? तो इसके साथ हमारा कॉपीराइट एक्ट पूरा खत्म हो गया 1957. अब पेट के बाद ट्रेडमार्क. कितनी देर का चाहिए? चलो 20 मिनट. वो अपने वादा बन जाएगा.